हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सेल ऑफ फाउंडेशन और उसके टाइप्स को समझा था और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि डीप फाउंडेशन क्या होती है और उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो समझते हैं डीप फाउंडेशन क्या होती है। तो आइए इस डीप फाउंडेशन को समझते हैं कि आखिर ये होती क्या है। देखिए, कुछ ना कुछ सेल ऑफ फाउंडेशन में कमी रही होगी, तभी तो हमें डीप फाउंडेशन को पढ़ने की जरूरत पड़ी है कि नहीं। और देखिए, डीप फाउंडेशन, डीप का अर्थ होता है गहरा और फाउंडेशन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, जमीन में खोदा गया गड्ढा, ठीक है, जिसमें हम फुटिंग को इंसर्ट करते हैं, यानी गहरा गड्ढा। तो यहां से एक बात तो समझ में आती है कि जो हमारी फाउंडेशन है, जो हमने गड्ढा खोदा है, वो बहुत ज्यादा गहरा हो सकता है, ठीक है, नाम से ही पता चलता है। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो देखिए, इफ यदि इन बिल्डिंग स्ट्रक्चर द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन टू इट्स विड्थ, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई भी बिल्डिंग है, उसके नीचे जो हमारी फुटिंग है, उसकी जो फाउंडेशन है, ये जो हमारा गड्ढा होता है, ठीक है, अगर इस गड्ढे की जो विड्थ है उसको बी मानते हैं और ये उसकी डेप्थ को हम डी एफ मानते हैं, इसके अंदर फुटिंग होगी हमारी, ठीक है। अगर यदि ये बोल रहा है कि यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन इज ग्रेटर देन टू इट्स विड्थ, अगर ये क्राइटेरिया किसी भी फाउंडेशन में लग जाता है तो उसे हम कहते हैं डीप फाउंडेशन, ठीक है। अब यहीं पे थोड़ा सा एक चीज और खेलते हैं कि देखो, सेलो फाउंडेशन में हमने क्या क्राइटेरिया पढ़ा था कि जो हमारी क्या थी, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन थी, वो हमारी विड्थ के बराबर थी या विड्थ से छोटी थी, ये शैलो का क्राइटेरिया था, ठीक है। अब देखिए, यहां पर हम फाउंडेशन का एक गेम खेलते हैं। अब वो गेम क्या है उसको देखो। अब मैं किसी मिस्त्री से एक गड्ढा खुदवाता हूं, यानी एक फाउंडेशन खुदवाता हूं, और उस फाउंडेशन की जो डेप्थ है वो कुछ इस प्रकार है, 4.1 फिट, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो है 4 फिट, और एक ही गड्ढा मैं और खुदवाता हूं, ठीक है, इसकी जो डेप्थ है वो है 4 फिट और इसकी विड्थ भी है 4 फिट, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पर देखिए आप, ये जो है ये हमारी डेप्थ है और ये हमारी क्या है, विड्थ है। तो इस वाले पोर्शन में आप देखिए कि 4.1 हमेशा 4 से बड़ा है, यानी डेप्थ हमेशा विड्थ से बड़ी है, इसमें फॉलो हो रहा है। देखिए ध्यान से, डेप्थ तो 4.1 है जो 4 से बड़ा होगा, यानी डी एफ ग्रेटर देन विड्थ, ये डी फाउंडेशन हो गई अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। यही था हमारा कि जो हमारी डी एफ है वो ग्रेटर देन विड्थ होना चाहिए, ये हमारी डेफिनेशन बोलती है। अब यहां पर क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर है, यानी डी एफ इक्वल्स टू बी, तो यहां पर हम कह देंगे कि ये सेलो फाउंडेशन है। और ये हमारी डीप हो गई। लेकिन अब यहां पर देखिए इस चीज को, क्या आपको इनमें कोई फर्क नजर आ रहा है? बहुत छोटा सा फर्क नजर आ रहा है। तो क्या हम यहीं तक रुक जाएंगे, इस डेफिनेशन तक ही रुक जाएंगे? नहीं, हमें इस पोर्शन को और थोड़ा एलोबरेट करना पड़ेगा, वरना सारी डीप फाउंडेशन सेलो मान लेंगे, सेलो फाउंडेशन को हम डीप मान लेंगे अगर हम इस क्राइटेरिया पे चलेंगे। तो अब आगे जो फर्दर जो साइंटिस्ट थे, यानी इंजीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ और इसमें स्टडी किया और उसमें कुछ नई नई चीजें ऐड करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो नई नई चीजें क्या ऐड हुई वो देखिए आप ध्यान से। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, आप डी एफ ग्रेटर देन विड्थ का क्राइटेरिया तो रखिए, यानी इसका मतलब क्या है, डी एफ ग्रेटर देन विड्थ, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं
और ये जो विड्थ है इसको मैं यहां ले आता हूं, यानी डी एफ बट बी ग्रेटर देन वन, ये स्टैंडर्ड पैरामीटर है, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है तो आपको यही लिखना है। यानी हमें क्या करना है कि एक रेंज बनानी है इसकी, कि कम से कम इतना तो हो ताकि वो डीप कहलाए। तो आगे जब साइंटिस्ट ने इसको क्लासिफाई किया तो उन्होंने क्या कहा कि डी एफ अपॉन बी अगर एक से तो ज्यादा है और 15 से कम है, एक क्राइटेरिया तो उन्होंने बनाया ये वाला, और एक क्राइटेरिया उन्होंने बनाया अगर डीएफ यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और विड्थ का रेशियो ग्रेटर देन 15 है, एक क्राइटेरिया उन्होंने ये बनाया। ये तो स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया था, ये तो नहीं बदलेगा कभी भी जिंदगी में। उन्होंने फर्दर क्लासिफाई करने के लिए ये क्राइटेरिया बनाए, इसको तो हम कहते हैं मॉडरेट डीप, ठीक है, इसको हम कहते हैं डीप फाउंडेशन। तो अब आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ रही होगी कि हाँ कम से कम मिनिमम इतना पैरामीटर तो हो ताकि हम किसी भी फाउंडेशन को डीप कह सकें। यानी इसका मतलब क्या है, इसको मैं एक का भाग दे सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, डेप्थ अगर 15 है, 15 मीटर है, तो विड्थ हमारी 1 मीटर होगी, ठीक है। यानी अगर विड्थ हमारी 1 मीटर है तो ये डेप्थ हमारी 15 मीटर होगी, तो यानी कह सकते हैं गहराई में है फाउंडेशन हमारी। लेकिन अब एक बात मैं आपको समझा देता हूं, ये क्राइटेरिया भी कोई फिक्स नहीं है। इंडिया में ये क्राइटेरिया फॉलो होता है, लेकिन जब आप फॉरेन कंट्रीज की बुक्स को पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कहीं कहीं पर ये क्राइटेरिया कुछ इस तरह से भी आपको देखने को मिलेगा। डी एफ अपॉन विड्थ का जो रेशो है 4:6 भी देखने को मिलेगा, ये 10 भी देखने को मिलेगा, कुछ बुक्स में ये 25 भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये क्राइटेरिया अपनी अपनी कंट्री के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, लेकिन हम इंडिया में इसी क्राइटेरिया को यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तो बदलेगा ही नहीं, ये स्टैंडर्ड है। तो ये आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब समझते हैं कि हमें डीप फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या हमारा काम सैलो फाउंडेशन से नहीं चल सकता था जो हम डीप फाउंडेशन पे गए। भाई सही बात है, डीप फाउंडेशन क्यों पढ़नी पड़ रही है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं ये ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी। तो देखिए डीप फाउंडेशन, पहले हम घर की बात करते हैं। ये आपकी एनजीएल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। आपने एक मंजिल का घर बनाया, ठीक है, आपने यहां पर सैलो फाउंडेशन दिया, सैलो फाउंडेशन नॉर्मल, ठीक है। अब क्या हुआ, आपके परिवार में सदस्य बढ़ गए, आपने फिर एक और मंजिल निकाल दी। अब क्या हुआ, मंजिल तो निकाली, इस फाउंडेशन पे क्या हो गया, लोड बढ़ गया। यानी ये सारा लोड इस फुटिंग पे आया, और फिर फुटिंग से ये सारा लोड कहां चला गया, सोइल पे चला गया, यानी इसकी फाउंडेशन ने कैरी किया, ठीक है। भाई देखो सीधी सी बात है, इस फाउंडेशन की भी कुछ ना कुछ एक लिमिट होगी लोड लेने की, ठीक है, ठीक है। अब और परिवार में सदस्य बढ़ जाते हैं, एक मंजिल और बना ली, इस पे लोड अब ज्यादा हो गया, सीधी सी बात है, और परिवार के सदस्य बढ़ गए, संयुक्त परिवार हो गया, और उन्होंने एक और मंजिल खड़ी कर ली, 4 मंजिल खड़ी कर ली। अब हुआ क्या कि अचानक से देखने को मिला कि ये जो बिल्डिंग थी जमीन में बैठने स्टार्ट हो गई, सेटलमेंट होना शुरू हो गया। क्यों सेटलमेंट होना शुरू हो गया, क्योंकि अब इस स्ट्रक्चर पर हैवी लोड आने लग गए, ठीक है। हैवी लोड आने की वजह से अब ये फाउंडेशन जो थी हमारी इतनी कैपेबल नहीं थी कि इस लोड को रेजिस्ट कर सके, ठीक है। इसलिए फिर हम फर्दर स्टडी करनी पड़ी कि हमें ऐसी कौन सी फाउंडेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो कि स्ट्रक्चर पर आने वाले हैवी लोड्स को ले सके। तब जो कॉन्सेप्ट निकल कर आया, तब जो रिसर्च हुई, कहा कि आप एक फाउंडेशन और हम दे रहे हैं जिसका नाम है डीप फाउंडेशन, आप इसको प्रेफर कीजिए, ठीक है। ये तो समझाने के लिए था, अब थोड़ा सा इसको हम टेक्निकली समझते हैं।
देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस होते हैं, डैम होता है, ब्रिज होता है, हाई राइज बिल्डिंग्स में जैसे बुर्ज खलीफा हो गया, बुर्ज अल अरब हो गया, और न्यूयॉर्क में तो बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो अब इनमें हो क्या रहा है, बहुत सारा हैवी लोड आ रहा है। अब हैवी लोड को रजिस्ट करने में आप जानते हो सैलो फाउंडेशन की अपनी एक लिमिट होती है। वो लिमिट क्यों होती है उसको भी समझिए। देखिए जब आप नेचुरल ग्राउंड लेवल पर होते हो तब क्या होता है कि ऐसा एक ग्राफ है कि जब आप जितनी गहराई में जाते जाते हो तब आपकी जो सोइल की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। अब क्यों बढ़ जाती है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये आपकी सोइल है, सबसे पहले आप यहां पर थे, फिर आप जमीन में और गड्ढा खोदकर यहां पर आ गए, फिर जमीन में आप और गड्ढा खोदकर यहां आ गए, ठीक है। देखिए हमारी जो सैलो फाउंडेशन होती है ज्यादा से ज्यादा 4 फीट या 5 फीट तक हम उसकी डेप्थ को इंसर्ट करते हैं नॉर्मली। अब आप देखिए इस पोर्शन पर क्या हो रहा है, इसके ऊपर इतना लोड आ रहा है, इस मिट्टी का डेड लोड, मिट्टी का डेड लोड आ रहा है, जिस कारण ये वाली जो सरफेस है कुछ ना कुछ कॉम्पैक्ट हुई होगी। अच्छा अब आप मुझे एक बात बताइए, ये तो हो गई हमारी लेयर फर्स्ट, और अब क्या कर रहे हैं हम, तीसरे पॉइंट पे जा रहे हैं, यानी थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं हम। अब मैंने फाउंडेशन यहां बना दी, अब आप देखिए इस सरफेस पर यानी लेयर टू पर इतनी सोइल के कारण इस पर वेट आ रहा है, यानी ये वाली सोइल और ज्यादा कॉम्पैक्टेड होगी। यानी अगर हम कॉम्पैक्शन की देखें तो लेयर टू इज ग्रेटर देन लेयर वन, आपको बात समझ में आ गई। यानी लेयर टू कहां पर है, ज्यादा डेप्थ पर है। इसलिए अब क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, जब आपकी सोइल ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है तो उसमें वॉइड्स रिमूव होते चले जाते हैं, और जब वॉइड्स रिमूव होते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ती है, और जब सोइल की डेंसिटी बढ़ती है तो वो ज्यादा डेंस हो जाती है। जब सोइल डेंस हो जाती है तब क्या होता है, उसकी परमियबिलिटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, यानी सोइल अपने आप में से पानी को रिसने नहीं देती। और जब सोइल में ऐसा प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है तब उसकी जो बियरिंग कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ जाती है, यानी बियरिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, सोइल की इंक्रीज हो जाती है। और हम यही चाहते हैं कि हमारी स्ट्रक्चर पर जो लोड आ रहे हैं उसको सोइल में किस डेप्थ तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी वो स्ट्रक्चर या हमारी जो फाउंडेशन है वो उस लोड को कैरी कर सके। और तब हमें पता चलता है कि जमीन में जैसे हम गहराई पर जाते हैं तो वहां पर लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम डीप फाउंडेशन को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि डीप फाउंडेशन की डेप्थ ज्यादा होती है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, तो मैंने दोनों क्राइटेरिया आपको समझा दिए हैं कि हम डीप फाउंडेशन किस कंडीशन में यूज करेंगे। नंबर एक, स्ट्रक्चर कंसिस्ट हैवी लोड, ठीक है, और दूसरा क्या करेंगे, इफ सोइल बियरिंग कैपेसिटी इज लो। दो ही चीज है, या तो स्ट्रक्चर पर हैवी लोड आएंगे या सोइल की बियरिंग कैपेसिटी कम होगी, तो ही हम यूज करेंगे। अब बियरिंग कैपेसिटी में भी दो लफड़े हैं। देखिए बियरिंग कैपेसिटी लो है तो हम क्या करेंगे, जो 2 मंजिल की बिल्डिंग है उसमें भी हम डीप फाउंडेशन देंगे, ठीक है, ये बात को आप याद रखना, क्योंकि सारा खेल बियरिंग कैपेसिटी का ही होता है। अगर हमारी सोइल अच्छी है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सैलो फाउंडेशन उस सोइल पे आने वाले लोड को ले सके, तो वहां पर भी हम डीप फाउंडेशन को प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए डीप फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अगली चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन। देखिए कंप्लीट
जो डीप फाउंडेशन है उसको पढ़ाना अभी मुश्किल है, ये हम धीरे धीरे समझते चलेंगे कि डीप फाउंडेशन का डिज़ाइन एनालिसिस कैसे कैसे होता है। अभी सिर्फ हम थोड़ा सा यही देखते हैं कि इनके टाइप्स क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और कहाँ पर वो यूज़ होती हैं और वो कैसे काम करती हैं। अभी हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, डीप फाउंडेशन के जो टाइप्स हैं वो तीन टाइप से डीप फाउंडेशन को हम क्लासिफाई करते हैं, जिसमें से पहली जो फाउंडेशन आती है यानी पहला टाइप आता है वो आता है पाइल फाउंडेशन, ठीक है। नंबर दो पर जो टाइप आता है वो आता है पायर। नंबर तीन पर आता है वेल फाउंडेशन। अब इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तीनों इसके तीन हाथ हैं, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से मेजर जो वर्क आज जानते हैं लोग उसका नाम है पाइल फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन को अगर कहा जाए कि किसी स्पेशल नाम से बताइए तो वो पाइल फाउंडेशन ही होता है, ठीक है। तो अब हम पाइल फाउंडेशन को समझते हैं। तो देखिए, पाइल फाउंडेशन क्या होती है, आपने सभी ने घरों में अपनी कील देखी है, कील जो अपन दीवारों में गाड़ते हैं, कुछ कुछ ऐसी होती है कील, कुछ कुछ ऐसी होती है, ऐसी ही हमारी पाइल फाउंडेशन होती है। बस फर्क सिर्फ इतना है, कील को हम दीवार में गाड़ते हैं और इसे हम जमीन में गाड़ते हैं, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे ही दिखने में होती है पाइल फाउंडेशन। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि हम फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, हम फुटिंग नहीं पढ़ रहे, और फाउंडेशन का मतलब होता है फुटिंग के अनुसार गड्ढे को खोदना। तो जब तक हम पाइल फुटिंग को नहीं समझ लेते तब तक हम पाइल फाउंडेशन को नहीं समझ पाएंगे कि फाउंडेशन खोदी कैसे जाएगी। तो सबसे पहले हम पाइल फुटिंग का डिज़ाइन देखते हैं कि पाइल फुटिंग कैसी होती है। तो आप देखिए ध्यान से अब इसको। तो देखिए अब ध्यान से आप इसको, ये जो आप देख रहे हो यहां तक, यानी अगर आप यहां तक देख रहे हो इसको, तो ये आपको शैलो फाउंडेशन दिख रही होगी। लेकिन जब मैं इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट कर देता हूँ, इसके बेस के नीचे मैं कुछ पाइल्स लगा देता हूँ, तो ये जो सिस्टम बन जाता है ये हो जाती है हमारी पाइल फाउंडेशन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर मेंबर पार्ट है, यानी इसमें भी हम आरसीसी का यूज करते हैं, और ये आरसीसी जो होती है वो पाइल कैप की आरसीसी से कनेक्ट होती है, और जो पाइल कैप की जो आरसीसी होती है वो हमारी कॉलम की आरसीसी से कनेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन अब बात वही गौर करते हैं कि पाइल फाउंडेशन में ऐसी क्या क्वालिटी होती है कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपने ये तो समझ लिया है कि पाइल फुटिंग जो कि स्ट्रक्चर का पार्ट है वो कुछ ऐसा होता है। तो अब इसके अनुसार अगर हम जमीन में गड्ढा खोदेंगे तो हम कैसे खोदेंगे, देखिए इसको यहां से नापेंगे, और ये जो इसे हमारी जमीन है तो इसको नापा, यहां पर लिखा हमने, और ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी एल हो गई, ठीक है। अब ये जहां जहां पर ये गोल गोल पाइल्स आ रही हैं उसकी डायमेंशन को हम लोकेट करते हैं, उसके डायरेक्शन को हम जमीन में मार्क करते हैं ऐसे, ठीक है। जमीन में हमने इसकी पोजीशन को मार्क कर दिया, और फिर हम जमीन में क्या करते हैं, ड्रिल्ड मशीन, बड़ी बड़ी ड्रिल्ड मशीन आती हैं जो कि जमीन में होल कर देती हैं, फिर हम इनमें होल कर देते हैं। होल करने के बाद इन पाइल्स को इंसर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर हम पाइल कैप बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कॉलम कास्ट करते हैं, ठीक है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं, अगर बात करें यहीं तक,
तो हमारा सिर्फ सेल और फाउंडेशन तक का काम था, यानी हमें सिर्फ फुटिंग कास्ट करनी थी और कॉलम कास्ट करना था। लेकिन पाइल फाउंडेशन में क्या हुआ, हमें पाइल भी कास्ट करनी पड़ी, तो हमें तीन काम करने पड़े यहाँ पर। पाइल को इंसर्ट करना पड़ा, फिर उसके ऊपर हमें बेस बनाना पड़ा यानी पाइल कैप लगाना पड़ा, यानी इसको हम फुटिंग ही कह सकते हैं, फिर उसके ऊपर हमें कॉलम कास्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, हम गड्ढा कैसे खोदेंगे। तो ये है हमारी पाइल फाउंडेशन, ये फुटिंग है, ये फाउंडेशन है, इन जमीन में जो हम होल करेंगे वही हमारी पाइल फाउंडेशन है। और इसकी बियरिंग कैपेसिटी को निकालना एनालिसिस ऑफ डीप फाउंडेशन यानी पाइल फाउंडेशन में आता है। तो देखिए यहां तक हमने पाइल फाउंडेशन को समझ लिया है, लेकिन अब बात करते हैं कि यार पाइल फाउंडेशन में ऐसी क्या क्वालिटी है कि हमें सेल ऑफ फाउंडेशन से ये ज्यादा प्रेफर हुई। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और अलग से समझा देता हूं। अब आप ध्यान से देखना, मैं एक सेल ऑफ फाउंडेशन यहां बना लेता हूं और ये हमारी सेल ऑफ फाउंडेशन है, ठीक है, और ये हमारा NGL है यानी नेचुरल ग्राउंड लेवल, और यहाँ पर भी ये हमारा NGL है नेचुरल ग्राउंड लेवल, यानी इसके नीचे हमारी सोइल है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब आप यहाँ पर हो क्या रहा है, अगर हमारी ये सेल ऑफ फाउंडेशन है, इस पर अगर यहाँ पर लोड Q आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो एक क्यू लोड है इसको रजिस्ट करने के लिए केवल एक ही सपोर्ट है जिसका नाम है सोइल रिएक्शंस, जो कि फुटिंग पर अप्लाई हो रही है, जिसे हम क्यू बोल देते हैं। यानी क्यू क्या है, सोइल रिएक्शन। भाई सीधी सी बात है, हम जब खड़े होते हैं तो हम जमीन में घसते नहीं हैं क्योंकि जमीन हम पर रिएक्शन लगाती है। अगर हमारे पैर जो है उस पर जो लोड ज़्यादा हो जाता है तो, और सोइल की जो रिएक्शन है वो कम हो जाती है, तो हम ज़मीन में घस जाते हैं। तो बिल्कुल वो यहाँ पर भी यही होता है, यहाँ पर जो क्यू लोड होता है, क्यू लोड जो होता है वो या तो क्यू से कम होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तब तो ये हमारा डिज़ाइन सेटिस्फाई होता है इस कंडीशन में। और जब हम पाइल फाउंडेशन की बात करते हैं तब यहाँ पर होता क्या है, देखिए भाई एक बात तो सिंपल है कि ये पाइल के एंड है, एंड तो इन एंड्स पर भी रिएक्शन लगेगी, इसको मान लेते हैं Q1, ठीक है, यहाँ पर भी रिएक्शन लगेगी, यहाँ पर भी रिएक्शन लगेगी, यहाँ पर भी रिएक्शन लगेगी, और यहाँ पर जो एक क्यू डैश है ये हमेशा इस क्यू से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ये जो क्यू डैश है बहुत ज़्यादा गहराई में जाकर है, इसलिए जितनी ज़्यादा हम गहराई में जाएंगे उतनी ज़्यादा हमको अच्छी रिएक्शन या अच्छी बियरिंग कैपेसिटी प्राप्त होगी। अच्छा ये बात हमने समझ ली। तो देखिए यहाँ पर भी लोड क्यू आया, तो किसने इसको सपोर्ट दिया, एक तो क्या हो, किसने सपोर्ट दिया, क्यू डैश ने, ये तो दे गई, और क्या दे रहा है देखिए। अच्छा एक बात देखिए, ये जो पाइल कैप है इस क्यू डैश को छोड़कर, ये जो पाइल कैप वाली जगह जो बच रही है यहां पर भी सोइल रिएक्शन लगाएगी, इसको मैं दे देता हूं क्यू नोट, ठीक है, तो प्लस क्यू नोट, ठीक है, और क्या हो गया, और क्या बच गया, देखिए ध्यान से, ये जो हमारी पाइल है ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे हमारे मार्कर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये पाइल जो है हमारी सोइल में अंदर धसी हुई है, तो सीधी सी बात है सोइल और पाइल के बीच एक फ्रिक्शन और काम करेगा। अब वो फ्रिक्शन कैसे काम करेगा उसको ध्यान से देखना आप, जैसे ये हमारी पाइल है, ठीक है, और ये हमारी सोइल है, मैंने पाइल को सोइल में ऐसे धसा दिया, तो आप देखिए जब मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये नहीं निकलता, क्यों, क्योंकि मेरे हाथ और इस मार्कर में फ्रिक्शन है। उसी प्रकार ये जो हमारी पाइल है और यहाँ आसपास इसके सोइल है, इनमें क्या होता है फिर फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है, जो भी क्या करता है इसको क्यू लोड को रजिस्ट करने में हेल्प करता है। मतलब कैसे, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फ्रिक्शन जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है।
अगर हमारा क्यू लोड ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है तो फ्रिक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये हमको पाइल पर आने वाले लोड को रजिस्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। यानी एक फोर्स और कौन मिल गया हमको, फ्रिक्शन फोर्स। तो अब आप देख सकते हो यहां पर सेलो फाउंडेशन में हमें सिर्फ सोइल रिएक्शन से ही काम चलाना पड़ता है, लेकिन यहां पर यानी पाइल फाउंडेशन में जो कि डीप फाउंडेशन का पार्ट है उसमें हमें एंड बियरिंग भी मिलती है और पाइल कैप पर भी रिएक्शन मिलती है और फ्रिक्शन से भी हमें सपोर्ट मिलता है लोड को रजिस्ट कराने का। इसलिए जो हैवी कंस्ट्रक्शंस होते हैं उनमें क्या होता है कि हैवी लोड्स आते हैं और हैवी लोड्स को रजिस्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, सोइल की रिएक्शन अच्छी लेनी पड़ती है। और सेलो फाउंडेशन में एक क्राइटेरिया होने की वजह से हम कभी भी सेलो फाउंडेशन को हैवी कंस्ट्रक्शन यानी जहाँ पर हैवी लोड्स आ रहे हैं वहाँ पर प्रेफर नहीं करते, हमेशा डीप फाउंडेशन को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि डीप फाउंडेशन में ही लोड कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है लोड को रजिस्ट करने की इन द फाउंडेशन। तो ये बात आपको समझ में आई होगी किस तरह से हम सेलो फाउंडेशन और डीप फाउंडेशन को समझ सकते हैं। तो अब हम पाइल फाउंडेशन के टाइप्स को समझ लेते हैं। देखिए एक बात तो ये क्लियर हो चुकी है कि जो हमारी पाइल फाउंडेशन है इसमें जो हमारी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, किससे, विड्थ से। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ होती है। अब अगर पाइल फाउंडेशन को हम डिवाइड करें कि पाइल फाउंडेशंस भी हमारी कितने टाइप्स की होती हैं तो उसे हम जनरली तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिसमें से नंबर फर्स्ट आती है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, नंबर दो पर आती है अकॉर्डिंग टू द मटेरियल, नंबर तीन पर जो आती है उसका नाम है अकॉर्डिंग टू द साइज एंड शेप, और एक टाइप्स में हम इसको और क्लासिफाई करते हैं जिसका नाम है अकॉर्डिंग टू द इंस्टॉलेशन। तो ये मेजरली हम चार टाइप्स से पाइल फाउंडेशन को क्लासिफाई करते हैं, तो इन सब को हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शन की। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, देखिए फंक्शन का मतलब होता है कार्य, मतलब कि जो हमारी जो पाइल है वो हमारा काम कैसे करेगी, वो हमारे लोड को किस तरह से रजिस्ट करेगी, तो उसके हिसाब से हम पाइल को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, उनको हम एक एक करके लिख लेते हैं। तो देखिए ये सारे टाइप्स हैं, एंड बियरिंग पाइल, फ्रिक्शन पाइल, बियरिंग फ्रिक्शन पाइल, शीट पाइल, कॉम्पेक्शन पाइल, फेंडर पाइल, एंकर पाइल, अपलिफ्ट पाइल और बैटर पाइल। तो इन सबको हम थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए कंप्लीट चीज़ें कभी समझ में नहीं आती, इसलिए अभी तो हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं कि पाइल के टाइप्स क्या क्या हैं। इन सारी पाइल्स का डिज़ाइन और एनालिसिस हम आगे आने वाली क्लासेस में करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं एंड बियरिंग पाइल की। तो देखिए ध्यान से, हम नाम से ही पता चल रहा है कि एंड बियरिंग यानी अगर हम एक पाइल सिस्टम बनाएं और ये हमारा पाइल कैप है तो आपको पता होगा लास्ट पोर्शन ऑफ पाइल हमेशा एंड कहलाता है, यानी ये जो पोर्शन होते हैं पाइल्स के ये हमारे एंड्स होते हैं। तो ये पाइल यही बोलती है एंड बियरिंग, यानी अगर कोई पाइल या पाइल सिस्टम स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड क्यू
लोड क्यू मान लेते हैं, उसको एंड रिएक्शंस, सीधी सी बात है अगर ये किसी गहराई पर है तो इस पर नीचे से रिएक्शन लगेगी, ठीक है। एंड रिएक्शन जो कि हम क्यू डैश मान लेते हैं, केवल वही रजिस्ट कर ले तो हम उसे क्या कहेंगे, एंड बियरिंग पाइल। यानी जब भी ऐसी पाइल्स का डिजाइन होता है तो उसमें हम जो फिलॉसफी लेके चलते हैं तो क्यू यानी स्ट्रक्चर का लोड जो होता है वो हमारा इक्वल होता है या फिर लेस देन होता है किसके, एंड बियरिंग रिएक्शन के, जो कि पाइल के एंड पर सोइल के द्वारा लगाई जाती है। इस डिजाइन फिलॉसफी से हम एंड बियरिंग पाइल का डिजाइन करते हैं। लेकिन ये तो है आधी बात, अब हम पूरी बात को कर लेते हैं। देखिए इस पाइल में एक शर्त और ये है कि जब भी आप ऐसी पाइल डिजाइन करते हो तो इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रक्चर पर आने वाला लोड इंटेंसिटी होती है वो सोइल के रिएक्शन के बराबर जो होती है, जो कि उसके एंड्स पर लगती है, उस हिसाब से हम इसका डिजाइन करते हैं। लेकिन इसमें एक चीज ये और लगती है कि जो हमारी जो इसकी जो लेंथ होती है पाइल की यानी डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक शर्त ये होती है कि जो पाइल का जो लोड होते हैं यानी पाइल के जो एंड्स होते हैं बहुत ज़्यादा गहराई पे किसी हार्ड स्ट्रेटम पर टिके होते हैं। हार्ड स्ट्रेटम क्या होता है, जब हम सोइल को खोदते जाते हैं तो हमें हार्ड चट्टान जैसे सतह मिलने लग जाती है, तो वहाँ तक हम इस पाइल को इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है चट्टान पर ही हमारी सोइल रिएक्शन हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड होती है, इसलिए इसका नाम है एंड बियरिंग। बहुत ज़्यादा गहराई पे जाके किसी हार्ड स्ट्रेटम पर अपने लोड को ट्रांसफर कर देना, वही होती है हमारी एंड बियरिंग पाइल। और इसकी जो डेप्थ होती है यानी जो डीएफ डेप्थ होती है, जो डेप्थ लगभग 25 से 250 फीट तक वेरी कर सकती है जनरली। तो ये पाइल आपको समझ में आ गई। अब अगली पाइल की बात करते हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन पाइल। देखिए फ्रिक्शन पाइल, फ्रिक्शन आप सबको पता होगा, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होता है उतनी ज्यादा अच्छी पकड़ होती है। तो देखिए ध्यान से, ये बोलता है ऐसा पाइल या ऐसा पाइल सिस्टम जो कि स्ट्रक्चर पर आने वाले लोड की इंटेंसिटी को सोइल यानी इसके चारों तरफ सोइल है और ये पाइल, इनके बीच फ्रिक्शन जो लग रहा है एफ उससे रजिस्ट कर ले, तो उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन पाइल। यानी फ्रिक्शन पाइल का एनालिसिस जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि क्यू लोड इंटेंसिटी इज लेस देन एंड इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स। इस तरह से हम इसका डिजाइन एनालिसिस करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि जो पाइल जो होती है वो किस टाइप से लोड कैरी करती है, सोइल, ये जो हमारी चारों तरफ सोइल है और बीच में पाइल, इसके बीच में फ्रिक्शन लगता है जो कि हमारे क्यू लोड को रजिस्ट करने में हेल्पफुल होता है। आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो, जैसे देखिए ये पाइल इंसर्ट है बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, जमीन में। अब जब मैं इस पर लोड लगाता हूँ देखिए तो ये नीचे नहीं जा रहा क्योंकि मेरे हाथ और इस मार्कर के बीच में अच्छी पकड़ है, पकड़ मतलब फ्रिक्शन। इसीलिए हम इस पाइल को ऐसे सेट करते हैं ताकि ये हमारे क्यू लोड को रजिस्ट कर सके। इसका बहुत बड़ा डिजाइन एंड एनालिसिस होता है। फ्रिक्शन फोर्स को भी कैलकुलेट करते हैं कि कितनी लेंथ तक हम पाइल को इंसर्ट करें ताकि हमें सफिशियंट एंड रिक्वायर्ड फ्रिक्शन प्राप्त हो सके अगेंस्ट टू द क्यू लोड इंटेंसिटी। ये आपको क्लियर हो चुकी है बात? तो देखिए आपको मैं एक छोटी सी चीज और यहीं पर समझा देता हूँ। जो फ्रिक्शन होता है ना, फ्रिक्शन, जैसे इस पाइल को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, ये जो हमारी पाइल है, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा लेंथ और सरफेस एरिया यानी पाइल का ये सरफेस एरिया यानी जो राउंड है ना, राउंड ये सरफेस एरिया, इस पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा और जितनी ज़्यादा लेंथ होगी फ्रिक्शन फोर्स उतना ही शक्तिशाली होगा और उतनी अच्छे से हमारी पाइल पे जो लोड आ रहा है उसको रजिस्ट कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3 होता है, मतलब बहुत सारी पाइल हैं तो उस हिसाब से ये लोड रजिस्ट कर लेंगी। तो ये फ्रिक्शन पाइल आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं बियरिंग फ्रिक्शन पाइल की। देखिए बियरिंग फ्रिक्शन पाइल क्या कहती है कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर पर आने वाला लोड है
वो जो लोड है वो उसके एंड्स की रिएक्शंस और उस पे लगने वाला फ्रिक्शन, यानी पाइल और सोइल के बीच लगने वाला फ्रिक्शन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लोड रजिस्ट होता है उसे हम कहते हैं बियरिंग फ्रिक्शन पाइल। यानी यहाँ पर जो पाइल का डिज़ाइन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, क्यू स्ट्रक्चर पर आने वाला लोड इज लेस देन एंड इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स प्लस सोइल रिएक्शन, यानी जो एंड्स पे सोइल रिएक्शन लग रही है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जब ये वाली जब हम पाइल डिज़ाइन करते हैं तब ये पाइल की लेंथ अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी काम करता है और एंड रिएक्शंस भी काम करते हैं। ये पाइल तब सूटेबल होती है जब हमारा क्या होता है, अगर हमारी लगभग 25 से 30 फीट पे हमारी हार्ड चट्टान मिल जाए या रॉकी सॉइल मिल जाए तब हम ऐसी पाइल्स को कंसिडर करते हैं, इकोनॉमी होती है पाइल। क्योंकि देखिए इसमें एक सिस्टम ये होता है, अगर हमारी सॉइल लूज होती है तो हमें बहुत ज़्यादा गहराई पे जाकर हमें पाइल को इंसर्ट करना होता है, लेकिन अगर हमारी सॉइल अच्छी है तो हम बियरिंग फ्रिक्शन पाइल को अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है दोनों काम करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि इसकी लेंथ कम हो जाती है और हमारा खर्चा भी बच जाता है। लेकिन अब इन नेचर देखा गया है कि सच में जो हम पाइल डिज़ाइन करते हैं वो हमारी बियरिंग फ्रिक्शन पाइल ही होती है, कुछ स्पेशल केस जैसे लूज सॉइल ग्रैनुलर सॉइल उनमें हम एंड बियरिंग पाइल का डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन और पाइल के बीच और सॉइल के बीच फ्रिक्शन बनाना मुश्किल होता है, तब वहाँ पर हम एंड बियरिंग पाइल का यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि बियरिंग फ्रिक्शन पाइल कैसे यूज़ होती है और कैसे इसका एनालिसिस किया जाता है। तो अब देखिए अगली जो पाइल है वो क्या कहती है, शीट पाइल। अभी शीट पाइल क्या होती है भाई, देखिए शीट पाइल जैसे आप दिमाग में चलता होगा शीट, शीट क्या होती है, कुछ भी शीट हो सकती है, बिल्कुल शीट की तरह ही होती है। देखिए ये जो पाइल होती है जनरली गोल नहीं होती, शीट पाइल जनरली गोल नहीं होती, ये शीट की तरह ही होती है। जैसे ये शीट हो गई, जैसे आप अपनी आंसर शीट लिखते हो तो बिल्कुल जो शीट होती है बिल्कुल वैसी होती है, जैसे आपकी बुक्स वगैरह होती हैं जैसे ये रजिस्टर होता है बिल्कुल ऐसी ही होती है शीट पाइल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगा देते हैं, यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ से तोड़ के यहाँ पे ले लेते हैं और फिर इनको ऐसे आपस में जोड़ देते हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है ये शीट पाइल का स्ट्रक्चर बन जाता है। और इसका यूज हाइड्रोलिक जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उनमें सीपेज को रोकने के लिए किया जाता है। अब देखिए हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कौन सी होती हैं, जैसे आपका डैम होता है, ये डैम होता है ऐसा ही होता है डैम कुछ कुछ। तो डैम में क्या होता है, एक तरफ तो पानी भरा होता है ऐसे और एक तरफ हमारा खाली होता है, और ये हमारी क्या होती है सॉइल होती है नीचे ऐसे। तो पानी की नेचर है हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन पे जाने की, तो इसमें क्या होता है ये जो पानी है जमीन के नीचे से ऐसे पाथ बनाकर यहां पर चला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पानी का सीपेज होने लग जाता है और सीपेज होने की वजह से क्या होता है यहाँ की सॉइल लूज होना स्टार्ट हो जाती है और डैम सेटलमेंट में फेल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं डैम के नीचे, यानी ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है इसके नीचे शीट पाइल्स लगा देते हैं, ऐसे शीट पाइल्स को लगा दिया जाता है। अब हुआ क्या, जो ये पाथ जो बना है सीपेज का ये ऐसे ना बनकर कुछ कुछ ऐसे बन जाता है, यानी पाथ की जो लंबाई बढ़ जाती है ऐसे ये पाथ बढ़ जाता है, मतलब पाथ की लंबाई बढ़ गई सीट पाइल डालने से। और सीट पाइल डालने की वजह से जब पाथ की लंबाई बढ़ गई तो हम जानते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ, अगर लेंथ ज़्यादा हो गई हमारी तो हमारा क्या हो जाएगा ग्रेडियंट कम हो जाएगा, यानी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कम हो जाएगा जिससे हमारा डैम सेफ हो जाएगा, यानी सीपेज में डैम हमारा सेफ हो जाएगा और जो हमारा जो आगे जो फ्लोर होता है इस पर भी दबाव नहीं आएगा। इसका डिजाइन एंड एनालिसिस जो होता है वो विद खोसलाज एंड ब्लिक्स थ्योरी और एनालिसिस ऑफ शीट पाइल के
दौरान हम इसका एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा टफ एनालिसिस होता है, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर में जो सीपेज होता है उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम शीट पाइल्स का यूज करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी ही शीट होती है, इनको जमीन में ऐसे गाड़ दिया जाता है पूरे एल लेंथ तक, जहां तक डैम की लेंथ है। ठीक है, अब देखिए अगली जो पाइल आती है उसका नाम है कॉम्पैक्शन पाइल। नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी ऐसी पाइल जो डालते वक्त हमारी पाइलिंग भी हो जाए और कॉम्पैक्शन भी हो जाए। यानी कह सकते हैं कि अगर हमारी जो सोइल है वो लूज सोइल है या ग्रेनुलर सोइल है, यानी मोटे कण की सोइल है, तो हम क्या करते हैं वहां पर कॉम्पैक्शन पाइल का यूज करते हैं। ये कॉम्पैक्शन पाइल कुछ नहीं होती, जब इसको इंसर्ट किया जाता है जमीन में तो वाइब्रेशन के साथ इसको इंसर्ट किया जाता है। जब ये हिलती हिलती अंदर जाती है तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास पास जाते हैं। जैसे हम करते हैं क्या, घरों में जब चीनी भरते हैं तो डंडी से उसको दबाते हैं ताकि पास पास आ जाए चीनी और हम और डाल दें, बिल्कुल वैसा ही होता है। कॉम्पैक्शन करते हैं, यानी ऐसी पाइल जिसके द्वारा सॉइल का कॉम्पैक्शन भी हो जाए तो उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन पाइल। इसका कोई डिजाइन एंड एनालिसिस ऐसा कुछ स्पेशल होता नहीं है, क्योंकि जनरली जहां तक सॉइल देखी गई है वो हमारी कॉम्पैक्टेड ही होती है। बस कुछ स्पेशल केस जैसे ग्रेनुलर सॉइल हो गई, या अगर कोई बिल्डिंग आप दुबई में बना रहे हो तो वहां पर सैंडी सॉइल है तो वहां पर हम इन पाइल्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब अगली पाइल है फेंडर पाइल। देखिए फेंडर क्या होता है, आपने एक शब्द जरूर सुना होगा डिफेंडर। ये डिफेंडर शब्द आपने अपने लैपटॉप या पीसी में सुना होगा। डिफेंडर क्या करता है, हमारी विंडोज जो होती हैं 7, 8, 9, 10 उनकी सुरक्षा प्रोवाइड करता है। बस यहीं से समझ में आता है वो वाटर स्ट्रक्चर जो कि पानी के ऊपर जो स्ट्रक्चर हमारी जो रहती है, जैसे बंदरगाह होते हैं टेम्परेरी स्ट्रक्चर होती है पानी के ऊपर, तो उनको क्या होता है जहाज या पानी में बहुत सारा कचरा बहता रहता है उनसे बचाने के लिए हम फेंडर पाइल्स का यूज करते हैं। देखिए इनका उपयोग कैसे करते हैं, जैसे ये आपका समुद्र है, ठीक है, ये आपका बंदरगाह है और यहाँ पर आपका शिप आ रहा है ऐसे, ठीक है, ये आपका जो बंदरगाह है ना, यहाँ पर ऐसे चारों तरफ ऐसे ये पाइल्स को लगा दिया जाता है जमीन के अंदर पूरी एल लेंथ तक पानी में। अगर इसको सामने से देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये पाइल आपको कुछ ऐसे दिखेंगी, इनको जमीन में लगा दिया जाता है। और ये पाइल क्या करते हैं, जैसे जहाज बहता है तो पानी भी इनके ऊपर आता है और इन पे क्या है कि दबाव भी बनता है पानी के थ्रू, जैसे आपने अर्थ प्रेशर में पढ़ा होगा तो उसी तरह से यहाँ पर दबाव बनता है, उस दबाव को ये फेंडर पाइल रेजिस्ट करती है। और समुद्र में क्या होता है, जो कचरा होता है वो भी हमारे जो वाटर जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी पानी के ऊपर जो टेम्परेरी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको बचाव करता है फेंडर पाइल। ये आप देसी भाषा में ऐसा समझ सकते हैं, जो पानी के ऊपर आपने छोटी छोटी लकड़ी की जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर देखी है वो फेंडर पाइल्स के ऊपर ही बनाई जाती है जनरली। लेकिन अगर टेक्निकल वर्ड में हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इट इज द पाइल आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर बॉडीज। देखिए अब हमारी अगली पाइल है एंकर पाइल। तो एंकर पाइल को पढ़ने से पहले हम बेटर पाइल को पढ़ लेते हैं। तो ये बेटर पाइल क्या कहती है, बेटर पाइल कहती है मैं सबसे बेटर हूं, मुझसे बेटर कोई नहीं है भाई। ऐसा इसमें क्या है, तो देखिए भाई अभी तक जनरली आपने क्या पढ़ा है, जैसे ये आपकी पाइल है, ठीक है, ये आपकी पाइल हो गई। अभी तक जो लोडिंग आ रही थी वो हमारी वर्टिकली आ रही थी, सेंट्रिक लोडिंग आ रही थी। अगर क्या हो लेटरल लोडिंग आ जाए, यानी लोडिंग ऐसे ना होकर लोडिंग ऐसे आ जाए, ऐसे लोड लगना लग जाए, तब क्या होगा, तब ये पाइल क्या होगी, तब ये पाइल क्या होगी, यहां से जमीन से उखड़ जाएगी। ठीक है, तो अब इस पाइल की डेफिनेशन क्या है बेटर पाइल की। बेटर पाइल कहती है वो पाइल जो कि स्ट्रक्चर पर आने वाले लेटरल लोड को या होरिजेंटल लोड को रजिस्ट कर सके, उसे हम बेटर पाइल कहते हैं। तो बेटर पाइल में हम क्या करते हैं, ये वाली जो पाइल्स होती हैं इनको वर्टिकली ना बनाकर
कुछ एंगल्स पे इन पाइल को बनाते हैं, ये बात आप याद रखना। अब ये एंगल कितना होगा और ये पाइल की लेंथ कितनी होगी, जब हम डिजाइन ऑफ बेटर पाइल पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे कि किस तरह से इनका एनालिसिस किया जाता है, कितने एंगल पे इनको रखा जाता है। आप देखिए, जब हम इधर इफेक्ट मारेंगे तो ये एंगल इनको बचा लेगा, तो इस तरह से बेटर पाइल होती है। अब हम पढ़ते हैं हमारी एंकर पाइल को। तो अब एंकर पाइल क्या बोलती है उसको भी ध्यान से समझना भाई। एंकर पाइल ये बोलती है मैं बेटर पाइल से भी बेटर हूं। अब भाई बेटर पाइल तो है ही बेटर, जो कि ओरिजेंटल लोड को रजिस्ट कर रही है। अब एंकर पाइल में ऐसा क्या है? तो एंकर पाइल क्या कह रही है, ठीक है स्ट्रक्चर पर ओरिजेंटल लोड आएगा लेकिन मुझे इंक्लाइंड मत बनाओ, आप मुझको वर्टिकली बनाओ, ठीक है, लेकिन मेरे जो एंड्स हैं उनमें एंकर्स डाल दो, यानी ऐसे जमीन में गड्ढा करके ऐसे एंकर्स डाल दो, ऐसे जमीन में गड्ढा करके ऐसे एंकर्स डाल दो। एंकर जानते हो क्या होता है? एंकर्स ऐसा सिस्टम होता है जो कि किसी बॉडी को रिजिड कर देता है वहीं पर, उसी को हम एंकर बोलते हैं। तो जमीन में ऐसे गड्ढे बनाकर जमीन के बहुत नीचे उसमें एंकर डाल देते हैं और पाइल को हम वर्टिकली रखते हैं। अब क्या होता है, जब हॉरिजॉन्टल लोड इस स्ट्रक्चर पे अप्लाई होता है तो ये जो एंकर होते हैं ये हमारे इस लेटरल लोड को रजिस्ट करते हैं। तो अब इन एंकर्स का डिजाइन कैसे होता है ये हम डिजाइन एनालिसिस ऑफ एंकर पाइल में पढ़ेंगे। अब हमारा अगली जो लास्ट पाइल बचती है वो बचती है अपलिफ्ट पाइल। देखिए अपलिफ्ट नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पाइल उठेगी, तो इसको भी समझते हैं। देखिए अपलिफ्ट पाइल क्या होती है, अगर हमारी स्ट्रक्चर पर वर्टिकल लोड आ रहे हैं तब तो हम कोई दिक्कत ही नहीं आती एनालिसिस करने में, जब लेकिन जब हमारी ट्रांसवर्स लोडिंग आती है, लेटरल लोडिंग आती है, तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। देखिए अब आप जरा सोचना इस बात को, यहां समझिए, जब ये लोड इस कॉलम पे ऐसे धक्का मारेगा तो क्या होगा? देखिए सॉरी गलती हो गई, देखिए जब ये यहां पर ऐसे धक्का मारेगा तो सीधी सी बात है ये पाइल क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, ठीक है, यानी ये वाला जो पोर्शन होगा ये दबने चाहेगा और ये वाला पोर्शन उठना चाहेगा। आ रही बात समझ में ध्यान से? यानी कुछ कुछ ऐसे हो गया, ये कुछ ऐसे हो जाएगी अगर हमारा क्यू लोड ऐसे लगेगा तो यानी ये पोर्शन तो दबा और ये पोर्शन ऊपर हुआ। तो समझना, जब ये पोर्शन यहां दब रहा है तो इसके नीचे जो वाली पाइल है उस पर क्या होगा, कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगा, ठीक है, और अगर इस पोर्शन को देखें तो क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी इस पाइल पर हमारा टेंशन फोर्स जनरेट होगा। अगर फ्रिक्शन की बात करें तो यहां पर लोड आ रहा है नीचे तो फ्रिक्शन कैसे लगेगा, ऐसे ऊपर की तरफ, और यहां पर क्या कर रहा है, ये फोर्स इसको ऊपर खींच रहा है, तो फ्रिक्शन कहां काम करेगा, नीचे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, फ्रिक्शन का तो रूल यही है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, अपलिफ्ट पाइल को डिजाइन करते हैं। अब अपलिफ्ट पाइल में भी एक कैटेगरी आती है जिसका नाम है अंडर रीमर पाइल, ठीक है, अंडर रीमर पाइल को ही हम डिजाइन करते हैं। अब ये अंडर रीमर क्या होती है, इसका डिजाइन कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अंडर रीमर पाइल क्या होती है, यहां पर क्या होता है, एक सिस्टम ऐसे होता है, देखिए ध्यान से, ये एक सिस्टम होता है। अब ये क्या होता है, इसको जब ऐसे खींच देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ऐसे बंद हो जाता है छतरी की तरह, ठीक है, मतलब जब इसको ये खींच देते हैं तो ये छतरी की तरह ऐसे बंद हो जाता है। अब क्या करते हैं,
इसको हम क्या करते हैं, जमीन में इंसर्ट करा देते हैं। जमीन में इंसर्ट कराने के बाद क्या करते हैं, इस पर दबाव बनाते हैं वापस से ऐसे, तो ये ऐसे इसके ब्लेड खुल जाते हैं। अब होता क्या है, जो हमारी जमीन होती है, अब सीधी सी बात है, ब्लेड खुल गया यानी यहां पर तो ये इतना पोर्शन रहा, ठीक है, और यहां पर ये पोर्शन ज्यादा हो गया, फिर इसको हम घुमा देते हैं। तो हमारी जमीन में जो गड्ढा बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान से देखना। तो ये जमीन में हमारा गड्ढा बन जाता है, अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो इसको यहां पर घूम के ज्यादा हो गया, और नीचे तो हमारा सेम है ही, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फिर हम इसमें क्या करते हैं, पाइलिंग कर देते हैं, ऐसे पाइल मटेरियल जो भी है, कॉन्क्रीट है या आरसीसी है, जो भी डाल देते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर इस पाइल पर बाई चांस अपलिफ्ट फोर्स आया या टेंशन फोर्स जनरेट हुआ, जैसे हमने पिछले केस में देखा था, तो देखिए यहां पर ये बबल सा बन रहा है, तो ये इसको क्या उठने देगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर ये फंस गया। अगर सीधा सीधा होता तो उठ जाता, लेकिन ये बबल बनाने की वजह यही है कि ये नहीं उठेगा, यानी फंस गया। और यहां पर क्या हो रहा है, अगर डाउनवर्ड फोर्स आएगा तो पाइल हमारी सीधी सीधी अंदर इंसर्ट नहीं हो, क्योंकि यहां पर भी ये बबल बन गया, ये फंस गया। तो हमने कुल मिला के किया क्या है कि अंडर रिमर पाइल से को हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि बीच में एक ज्यादा एरिया कवर हो जाए, जो कि क्या करे, एक बॉन्ड बना ले, और ये बॉन्ड जल्दी से फेल नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर भी ये एरिया आ रहा है और यहां पर भी एरिया आ रहा है, टोटल इतना एरिया काम कर रहा है, और जब एरिया बढ़ जाता है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम अपलिफ्ट पाइल का भी डिजाइन करते हैं। तो ये तो हमने सारे फंक्शंस की बात की। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, लास्ट हमने जो डिस्कस किया था, ये जो हमारी बैटर पाइल और अपलिफ्ट पाइल के बीच डाउट नहीं रहना चाहिए, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए बैटर पाइल में भी हमने लेटरल लोड कंसिडर किया था, और हमने अपलिफ्ट पाइल में भी यहाँ पर ऐसे ही लेटरल लोड को कंसिडर किया था ऐसे। लेकिन अब आप कहोगे सर आपने बैटर पाइल को तो ऐसे बना दिया और अपलिफ्ट पाइल में बबल डाल दिए, तो क्या जरूरत थी, कौन सी पाइल कहाँ यूज करें। यहाँ पर एक समझने की बात है, अगर आपका बेस बड़ा हो जाता है तब आप अपलिफ्ट पाइल को एक ही बेस पे बबल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका बेस छोटा होता है, जैसे घरों की फाउंडेशन होती है, तो वहां पर आप बैटर पाइल का यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन जो स्पेशल जो अपलिफ्ट पाइल का यूज होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। स्पेशली जो अपलिफ्ट पाइल का यूज होता है वो हमारी टावर की फाउंडेशन देने में यूज होता है। देखिए जो हमारा टावर होता है वो कुछ ऐसे होता है, जैसे मोबाइल का टावर, सेल फोन का टावर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा फुटिंग होती है टावर की, जिसके ऊपर से स्टील स्ट्रक्चर चलता है, और यहाँ इसकी पाइल फाउंडेशन होती है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारा टावर पर कभी भी हवा ने इफेक्ट डाला, जैसे ये हवा ने ऐसे इफेक्ट डाला, तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन नीचे जाएगा और ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा, यानी एक जोन में तो हमारा कंप्रेशन लोड क्रिएट होगा और एक जोन में हमारा टेंशन लोड क्रिएट होगा। लेकिन अब यहाँ पर हम घुसकर ये नहीं कहेंगे कि इसको भी जूम करके, सर ये वाली पाइल में तो हमारा कंप्रेशन गया और इसमें अपलिफ्ट गया यानी टेंशन गया, नहीं, हम इस पूरे सिस्टम को ही कंप्रेशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं और इसको भी टेंशन के हिसाब से डिजाइन करते हैं पूरे सिस्टम को, ठीक है। और यहाँ पर हम इसमें बबल डाल देते हैं ऐसे, ताकि ये उठ ना सके और ये दब ना सके। तो टावर के केस में जहां पर पाइल फाउंडेशन अलग अलग सेपरेट जोन में रहती है, वहां पर हम अपलिफ्ट पाइल का यूज ज्यादा करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा बैटर पाइल और अपलिफ्ट पाइल का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो बैटर पाइल एक सिंगल पर्टिकुलर एरिया में चल सकती है, अपलिफ्ट पाइल अगर अलग अलग जोन में पाइल ग्रुप अलग अलग है तब हम अपलिफ्ट पाइल का यूज करते हैं। और अब हम पाइल को अकॉर्डिंग टू द मटेरियल के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे, यानी पाइल जो है हमारी वो किस किस मटेरियल की बनी हो सकती है,
उसके हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करेंगे। देखिए मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, जो हमारी देखिए पाइल जो होगी वो रिजिड होगी, तभी तो वो हमारे लोड को झेल सकेगी। तो जो मटेरियल जो होंगे, अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहला जो मटेरियल हो सकता है वो क्या हो सकता है, कंक्रीट। तो सबसे पहला मटेरियल ही कंक्रीट, हमारी कंक्रीट की पाइल हो सकती है अगर वो कंक्रीट से बनाई गई हो, या फिर वो हमारी टिम्बर यानी लकड़ी की भी हो सकती है पाइल, अगर हमें लकड़ी सस्ते दामों पे मिल जाए और अच्छी मजबूत लकड़ी मिल जाए तो। और हमारी क्या हो सकती है, और हमारी हो सकती है स्टील पाइल, अगर हमारी पाइल स्टील की बनी हो तो। और एक टाइप और रह रहा है जिसको हम कहते हैं, यहां पर दिखा देता हूं इसको मैं, मिक्स्ड पाइल, ठीक है, या इसका एक नाम और है कंपोजिट पाइल, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द मटेरियल हम पाइल को चार टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, कंक्रीट पाइल, टिम्बर पाइल, स्टील पाइल और मिक्स्ड पाइल। तो अब हम सबसे पहले कंक्रीट पाइल को समझ लेते हैं। देखिए जाहिर सी बात है जो कंक्रीट पाइल होगी उसको बनाने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमें सीमेंट, फिर हमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट और वाटर, ये तो है ही, और एक हमें एडमिक्सचर्स की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अगर हमें एडिशनल प्रॉपर्टी पाइल में देनी है तो हम एडमिक्सचर्स का यूज करेंगे। तो ये तो मटेरियल हो गए, अब इन मटेरियल को किन किन रेशो में डालते हैं ताकि हमें एक अच्छी पाइल मिल जाए। तो इसको जनरली हम 1:2:4 के रेशो में डाल सकते हैं, या फिर 1:1:3 के रेशो में डाल सकते हैं। ये आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्या होता है सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, देसी भाषा में कहें तो 1 पराती सीमेंट, 2 पराती बजरी और 4 पराती रोड़ी, इनको मिक्स करते हैं। तो ये हमारा मिक्स जनरली कंक्रीट पाइल्स के लिए यूज होता है, इससे कम नहीं जा सकते, ठीक है। देखिए जनरली क्या होता है, कंक्रीट पाइल का मतलब ये हो पूरी वो कंक्रीट की बनी हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता, कंक्रीट की पाइल कहीं देखने को नहीं मिलती, हमें उसमें आरसीसी प्रोवाइड करनी ही पड़ती है, ये बात आपको याद रखना। जो हमारी आरसीसी होती है, जैसे ये हमारी आरसीसी है, ऐसे हमने इसमें मास्टर रिंग बना दी, इसमें जो रिंग बनती है वो मास्टर रिंग बनती है, ठीक है, फिर इसमें जो भी सरिये लगा दिए, फिर इसमें हमने कॉन्क्रीट भर दिया, तो वो चीज होती है हमारी कॉन्क्रीट पाइल, ठीक है, या आप इसको एक तरह से आरसीसी पाइल भी कह सकते हो। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए ये जो कंक्रीट पाइल है इसको भी हम आगे दो भागों में क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला आता है कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल और नंबर 2 पर आता है प्री कास्ट कंक्रीट पाइल। देखिए कास्ट इन सीटू, ये सीटू का वर्ड साइट से होता है, यानी हमने साइट पर ही सारा काम किया है, साइट पर ही हमने होल ड्रिल किया है, फिर उसमें हमने आरसीसी डाली है, फिर हमने उसमें कंक्रीट डाला है, यानी ऐसी पाइल, यानी ऐसी कंक्रीट पाइल जो कि हम जिसकी कास्टिंग ऑन साइट यानी साइट पर करते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हमारी साइट होती है, यहाँ पर हमने पाइल ड्रिलिंग मशीन से हमने इसमें होल करते हैं, फिर हम उसमें आरसीसी का जो भी जाल बनता है, जैसे गोल जाल बनता है आरसीसी का विद मास्टर रिंग बनता है, उसको हम इंसर्ट करते हैं, फिर इसमें हम क्या करते हैं कंक्रीट को डाल देते हैं। तो ये हमारी होती है कास्ट इन सीटू, ठीक है। अब इस कास्ट इन सीटू में भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा केस्ड और एक होता है हमारा अनकेस्ड।
अब ये क्या चीज होती है इनको भी थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम अनकेस्ड की बात करते हैं। अनकेस्ड का मतलब क्या होता है, जैसे ये आपकी जमीन है, आपने सीधा पाइल जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ड्रिल करते हैं जमीन में, उसको लिया है और आपने ड्रिल करवा लिया ऐसे जमीन में, ठीक है, और डायरेक्ट आपने सरिया डाला और कॉन्क्रीट डाल दिया, खत्म। तो ये तो होता है हमारा अनकेस्ड कास्ट इन सीटू कॉन्क्रीट पाइल, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें क्या करें, एक टेक्निक लगा दें कि जब हम जमीन में गड्ढा खोदें तो उसमें विद केसिंग के साथ इसमें गड्ढा खोदें। केसिंग जानते हो क्या होता है? केसिंग जैसे आपने बोरिंग होते हुए देखा होगा तो उसमें जो पाइप्स होते हैं गोल गोल, वो केसिंग ही होती है। ऐसी सबसे पहले केसिंग डालकर फिर इसमें अगर हम कंक्रीट और आरसीसी डालें तो उसे हम कहेंगे केस्ड कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल। अब इसका एक फायदा ये होता है, एक तो इसका अलाइनमेंट बहुत सीधा सीधा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो हमारी पाइल जो होती है वो लगभग जमीन में 60 फीट से भी ज्यादा गहराई पे जाती है, तो उनका वर्टिकलिटी चेक करने में प्रॉब्लम आती है। और अगर उस कंडीशन में हम केस्ड पाइल का यूज करें, यानी केसिंग के साथ हम पाइल को इंसर्ट करें, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है, ठीक है। और बात करें अनकेस्ड की, तो इसमें हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि कोई गारंटी नहीं कि अलाइनमेंट सीधा हुआ है पाइल का या नहीं हुआ, लेकिन केसिंग में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि यहाँ पर बाउंड्री हो जाती है जो इसको सीधे सीधे कॉन्क्रीट को यूनिफॉर्मली नीचे तक पहुँचा देती है। अब बात करते हैं प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल की। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है, प्री कास्ट यानी पहले से ही बना दी। अब पहले से ही क्या चीज़ बन सकती है? कोई भी चीज़ है पहले से कब बन सकती है? या तो वो फैक्ट्री में बनाई गई हो, है ना, और फिर उसको साइट पे लाके इंसर्ट कर दिया हो। यानी ऐसी पाइल जो किसी फैक्ट्री में बनाई गई हो और उसको ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स जैसे ट्रक, बड़े व्हीकल, ट्रेलर, इनके द्वारा साइट पे लाया गया हो और फिर साइट पर लाने के बाद पाइल ड्रिवन इक्विपमेंट्स जो पाइल को हथौड़े की तरह ठोकते हैं जमीन में, उससे इंसर्ट किया गया, उसे हम कहते हैं प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल। यानी यहाँ पर सीधी बात है, जो पाइल्स होती हैं रेडीमेड बनी बनाई मिलती हैं, ठीक है, और जो पाइल्स होती है जमीन पे ऐसे लिया जाता है और यहाँ पर एक मशीन होती है जो इस पाइल को जमीन में बाय हैमर चला चला के इसको इंसर्ट करती जाती है। लेकिन यहाँ पर भी हमें गड्ढा तो पहले खोदना ही पड़ता है और फिर इस पाइल को इसमें इंसर्ट करते चले जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्री कास्ट कॉन्क्रीट पाइल। और देखिए, अब मैं आपको कॉन्क्रीट जो पाइल है उसका थोड़ा सा एक डायग्राम समझा देता हूँ। देखिए, कंक्रीट पाइल में क्या होता है, यहाँ पर आरसीसी रहती है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे एम्बल्ड होती है और ये हमारी मेन बार जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी हेलिकल रीइन्फोर्समेंट होता है और ये हमारी स्टीरप्स होती हैं, और इन सबको कनेक्ट करने के लिए मास्टर रिंग बनाई जाती है। तो कुछ इस तरह से इसका थोड़ा सा डायग्राम होता है और यहाँ पर इसमें होल किए जाते हैं दो। अभी होल किस लिए किए जाते हैं? ताकि पाइल को हम क्रेन की मदद से उठा सकें। और ये फिक्स है डिस्टेंस, ये क्या होती है, अगर हमारी एल लंबाई की पाइल होती है तो ये जो होल की डिस्टेंस होती है ये वाली, ये होती है एल बाई फाइव, और ये दोनों होलों के बीच की डिस्टेंस होती है थ्री एल बाई फाइव, और ये भी कितनी होती है एल बाई फाइव। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है, ठीक है, कि पाइल में जो दोनों होल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, एंड डिस्टेंस कितनी होती है। क्योंकि अगर पाइल को हम सेंटर से उठाएंगे तो ये पाइल झूल जाएगी, इस झूलने को रोकने के लिए हम इसमें दो होल्स करते हैं और इनमें हुक डाल के क्रेन की मदद से उठा लेते हैं। तो देखिए, अब हमारी जो अगली पाइल आती है वो है टिम्बर पाइल। भाई टिम्बर पाइल सीधी सी बात है किसकी बनी होगी? लकड़ी की बनी होगी, ये बात तो आप सब जानते हो। यानी टिम्बर पाइल किसकी बनी होगी? लकड़ी की बनी होगी। और लकड़ी में भी कौन सी लकड़ी? चीर, देवदार,
टीक, साल, ये सारी लकड़ियों की पाइल बनाई जा सकती है। और जो ये वाली जो पाइल होती है, इसका जो साइज होता है वो जनरली 300 से 500 mm तक वेरी करता है। ये 300 से 500 mm क्या है? ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। अगर हमारी पाइल सर्कुलर है तो ये इसका डायमीटर होगा, अगर हमारी पाइल स्क्वायर है तो इसकी साइड होगी, तो ये मैटर करता है, ठीक है। और अब बात करते हैं इसकी लेंथ की। तो देखिए, जो इसकी लेंथ होती है, वो जो लेंथ होती है हमेशा ज़्यादा नहीं होती किससे, 20 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। ये बात आपको क्लियर हो गई, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन को जो 20 गुना होता है उससे ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पाइल का जो क्रॉस सेक्शन है वो 300 mm है, तो उसकी जो लेंथ है कितनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 × 6 यानी 6000 mm से ज़्यादा इसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। अब हम इसके थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। देखिए ध्यान से, एडवांटेज सबसे अच्छा क्या हो सकता है इसका भाई, एक तो ये क्या होती है, चीप होती है, बहुत सस्ती होती है ये, ठीक है, सस्ती होती है इसलिए अवेलेबल भी हो जाती है और हम इसका यूज कर लेते हैं। अमेरिका जैसे कंट्रीज में क्या होता है, कंक्रीट महंगा पड़ता है तो वहां पर टिम्बर से कंस्ट्रक्शन करते हैं लोग लकड़ी के घरों का। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है, इट इज एडजस्टेबल। अब क्यों कहा एडजस्टेबल, अगर हमारी पाइल लंबाई में ज्यादा बढ़ जाती है तो हम इसको काट सकते हैं क्योंकि लकड़ी कट सकती है, अगर हमारी पाइल इन रेगुलर शेप में तो हम उसकी ड्रेसिंग करके उसको रेगुलर शेप में ला सकते हैं, लेकिन कंक्रीट को ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और क्या एडवांटेज हो सकता है इसका, आप कमेंट करके बताना। और अब डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत टफ होता है, कंस्ट्रक्शन इज टिपिकल। टिपिकल क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जब आप कंक्रीट पाइल बना रहे थे तब क्या हो रहा था, कंक्रीट को आप सांचे में डाल रहे थे फैक्ट्री में और पाइल बन रही थी हमारी, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी के लकड़े आते हैं, पेड़ के पेड़ आते हैं, फिर उनको ड्रेसिंग करी जाती है, तराशा जाता है, एक एक mm तक उसकी नाप को चेक किया जाता है, इसलिए इसका कंस्ट्रक्शन टिपिकल होता है, हाई स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, क्या होता है कि ये लकड़ी की पाइल है और लकड़ी में जानते हो सब में दीमक लगती है, इसलिए दीमक लगती है तो ये पाइल क्या होती है, ज़्यादा टिकाऊ नहीं होती। और अगर पाइल ऐसी जगह इंसर्ट है जहाँ पर वाटर टेबल है तो ये पाइल क्या होती है, मॉइस्चर के संपर्क में आ जाती है और ये सड़ने लग जाती है और पाइल हमारी डैमेज हो जाती है। ये बात आपको समझ में आ गई, टच टू द मॉइस्चर द पाइल आर डैमेज। फिर एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है, अब इस पाइल को बचाने के लिए यानी सड़ने से, टर्माइट से बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट और जिंक क्लोराइड का लेयर लगाते हैं जो कि कॉस्टली पड़ती है। एक ये भी इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस टफ होती है थोड़ी करना। और फिर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है, लो कैपेसिटी, किसमें, लोड को, लोड लेने की कैपेसिटी इसकी कम होती है, ठीक है, ये इस पाइल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। और फिर हम इसका उपयोग स्ट्रक्चर वर्क में नहीं कर सकते, हैवी स्ट्रक्चर वर्क में तो हम कर ही नहीं सकते, नॉर्मल जो घर वगैरह हैं वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो पार्क में जाते हो तो खम्भे होते हैं उनमें लाइट लगा लेते हैं, तो वहाँ पर ऐसे पाइल्स का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जब हमारी लकड़ी की जो पाइल होती है ना, उनका जो शो होता है यहाँ पर, तो वहाँ पर हम स्टील का ही शो लगाते हैं, यानी स्टील का ही ऐसे हम इसमें
शो लगाते हैं, अगर स्टील का नहीं लगाएंगे तो अगर बाय चांस पेनिट्रेट करते समय अगर पत्थर आ गया तो हमारा ये हिस्सा डैमेज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हम इसमें स्टील का शो लगाते हैं, ये हमारा स्टील का होता है। तो ये बात आप ध्यान रखना थोड़ी सी। अब देखिए अगली जो हमारी पाइल आती है उसका नाम है स्टील पाइल। देखिए स्टील पाइल का क्या मतलब है, देखिए हमने क्या किया था, जो हमारी कंक्रीट पाइल थी उसमें हमने क्या किया था, कंक्रीट प्लस आरसीसी यूज किया था, वो हमारी कंक्रीट पाइल बन गई। अब हम यहां क्या करेंगे, कंक्रीट प्लस स्टील गर्डर। स्टील गर्डर्स क्या होते हैं, जैसे आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, टी सेक्शन, ऐसे ही हमारे स्टील गर्डर्स का यूज करते हैं। अब ये बनती कैसे है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे जमीन में हमने गड्ढा खोदा है ऐसे किसी भी ड्रिल मशीन से, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले नीचे कंक्रीट डालते हैं, यहाँ पर हम कंक्रीट डालते हैं। कंक्रीट डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें आई सेक्शन या सी सेक्शन या ये आई सेक्शन या चैनल सेक्शन के गर्डर्स ऐसे इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने आई सेक्शन का इंसर्ट कर लिया इसमें, और फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, एंगल सेक्शन की मदद से जॉइंट बनाते हैं, ठीक है, फिर उसमें क्या करते हैं, इस पूरे में कंक्रीट फिल कर देते हैं। तो ये भी हमारी बहुत अच्छी पाइल होती है, बहुत अच्छे से लोड को रेजिस्ट करती है। कंक्रीट पाइल में हमने सिर्फ आरसीसी का यूज किया था और यहाँ पर हम स्टील के गर्डर्स के यूज कर रहे हैं, लेकिन फिलिंग मटेरियल सेम है कंक्रीट। तो स्टील की पाइल आपको समझ में आ गई, और इसको भी एडजस्ट करना बहुत आसान होता है क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर में अपने बोल्ट कनेक्शन बेल्ट कनेक्शन पड़े होंगे, तो काफ़ी इजीली इंस्टॉलेशन हम इसका कर सकते हैं। जबकि कंक्रीट पाइल का इंस्टॉलेशन करने में तकलीफ आती है क्योंकि उसमें हमें सरिये को अलाइन करना पड़ता है, सरियों को जोड़ना पड़ता है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट बनाना पड़ता है, टफ होता है थोड़ा। लेकिन स्टील पाइल डायरेक्ट उसमें गर्डर डाला और कॉन्क्रीट डाला और अच्छे से लोड को रजिस्ट भी कर लेती है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हमारे जो हमारी पाइल थी अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज। देखिए शेप, शेप क्या होती है, हमारी आकृति। भाई देखिए पाइल हमने किसी मटेरियल की बना तो ली, लेकिन क्या पाइल की कोई आकृति नहीं होगी, होगी। हमारी पाइल सर्कुलर भी हो सकती है, हमारी पाइल स्क्वायर भी हो सकती है, हमारी पाइल रेक्टेंगल भी हो सकती है, हमारी पाइल हेक्सागोनल भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन जो सबसे अच्छी जो पाइल मानी गई है वो सर्कुलर पाइल मानी गई है। क्यों मानी गई है सर्कुलर पाइल, क्योंकि देखिए सर्कुलर पाइल में कभी भी सॉइल कट नहीं होती ड्यूरिंग लेटरल लोड। अगर सर्कुलर पाइल पे लेटरल लोड आता है और इन पाइल पर भी लेटरल लोड आता है तो देखिए यहाँ पर कभी भी कटिंग एज नहीं बन रहा, और यहाँ पर क्या होता है, एक शियर प्लेन बन जाता है जो कि सॉइल को शियर में फेल कर सकता है अगर लेटरल लोड आ रहा है तो। लेकिन यहाँ पर कटिंग एज बनता नहीं है, इसलिए शियर में सबसे ज़्यादा अच्छी पाइल ये होती है, ये शियर में फेल नहीं होती, इसलिए जनरली हम इस पाइल का डिज़ाइन करते हैं। वो बात अलग है कि सीट पाइल में हम शियर में प्रिफर करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि सीट पाइल का एरिया ज़्यादा होता है, क्योंकि लंबी लंबी पाइल होती हैं ये बहुत सारी, तो वहाँ पर एक अलग बात होती है, लेकिन जनरली हम सर्कुलर पाइल का यूज़ करते हैं क्योंकि शियर में सबसे अच्छा प्रोटेक्शन सर्कुलर पाइल ही देती है। तो देखिए दोस्तों अभी तक हमने सारी पाइल फाउंडेशन को पढ़ लिया है, ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था जो डीप फाउंडेशन थी वो तीन टाइप से थी, हमारी पाइल, पायर और कैसियोन, या फिर जिसे हम वेल फाउंडेशन भी कहते हैं। हमने पाइल फाउंडेशन को कंप्लीटली समझ लिया है, किस किस तरह से हमने पाइल को क्लासिफाई किया। अब हम समझते हैं कि पायर क्या होता है, ठीक है, तो अब हम समझते हैं पायर फाउंडेशन को। देखिए एक शब्द में ये पायर फाउंडेशन हमें समझ में आ जाएगी, तो ये चीज इट इज सेम एज पाइल फाउंडेशन, ये है पाइल फाउंडेशन जैसी ही होती है,
अब आप कहोगे कि अगर ये पाइल फाउंडेशन जैसी होती तो फिर हमने इसे पायर क्यों कहा? तो देखिए पाइल छोटा सा, पायर पाया बड़ा हो गया थोड़ा, इसलिए बस इसमें यही डिफरेंस है कि जो जो पाइल है अगर उसका साइज जो है वो लेस देन नहीं होना चाहिए किससे, 60 सेंटीमीटर से, बस इस बात को आप याद रखना। यानी जो ऐसी पाइल जिसका साइज 60 सेंटीमीटर से कम ना हो, ज्यादा ही हो, वो होता है हमारा पायर। अब इसका यूज कहां पर किया जाता है? जैसे हमारे ब्रिजेस होते हैं उनके नीचे जो पायर लगे होते हैं, अबटमेंट जिनको बोलते हैं, उनमें यूज करते हैं, या फिर फ्लाईओवर, ऐसे केस में हम इनको यूज करते हैं। जो आपने देखे होंगे ना, जैसे ये हमारा ब्रिज होता है ऐसे ऊपर से और नीचे हमारा ऐसे गोल होता है, ये ब्रिज होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है हमारा पायर जिस पर ब्रिज टिका होता है, और ये बहुत चौड़ा आकार में होता है इसलिए हम इसको पायर कहते हैं। तो आपको ये बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि पाइल किसे कहते हैं, पायर किसे कहते हैं। पायर जिसका क्रॉस सेक्शन डायमेंशन 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होती, ज्यादा ही हो सकती है, बस ये एक मेन डिफरेंस है पाइल में और पायर में। अब हम बात करते हैं हमारी लास्ट फाउंडेशन की, जिसका नाम है कैसियन फाउंडेशन या वेल फाउंडेशन। ये थोड़ा सा टफ है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए वेल, वेल का अर्थ क्या होता है आपने सब जानते हो, कुआ। कुआ देखा है आप सबने जिसमें पानी भरा होता है, बस वही होता है। जैसे आपने जमीन में पानी के कुएं देखे होंगे अपने गांव में, वैसी ही होती है ये फाउंडेशन। जैसे कुएं की ये बाउंड्री होती है और इसमें हमारा पानी भरा होता है। अगर हम इस पानी की जगह सैंड भर दें, मिट्टी भर दें, और इस ऊपर जो खुला रहता है कुआ इसको हम ढक दें कंक्रीट से, तो क्या बन जाती है हमारी वेल फाउंडेशन। कितना सिंपल है, ये तो एक थोड़ा सा बेसिक बताया, अब थोड़ा सा इसको डिटेल से समझते हैं। देखिए ये जो फाउंडेशन है ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी फाउंडेशन है। अगर हम बात करें जैसे हमारी स्ट्रिप फाउंडेशन थी सेलो फाउंडेशन में, वो बहुत पुरानी फाउंडेशन थी, तो उसी टाइप में अगर वेल फाउंडेशन की बात करें तो जो हमारे ताजमहल है या पुराने इंडियन मोनूमेंट्स हैं, वो सारे कंस्ट्रक्शन वेल फाउंडेशन पे ही हुए हैं। या फिर आज भी प्रेजेंट टाइम में जो हमारी ब्रिजेस होते हैं, जो पानी के ऊपर जो ब्रिजेस होते हैं, उनमें हम वेल फाउंडेशन ही देते हैं, ठीक है। तो इसके थोड़े से हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो देखिए वेल्स विच आर आल्सो नोन एज कैसियंस, सो इट इज कॉल्ड कैसियन फाउंडेशन। देखिए जो कुएं होते हैं उनको कैसियन भी बोलते हैं। कैसियन क्या होती है, मैंने आपको पहले बताया था, जो बोरिंग के पाइप होते हैं ऐसे गोल गोल होते हैं, तो इसलिए हम इसको कैसियन फाउंडेशन भी कह देते हैं। देखिए वैसे मैं आपको बात बताता हूँ, कैसियन का मतलब बॉक्स भी होता है, बक्सा। अगला है यूज ऑफ फाउंडेशन ऑफ ब्रिज एंड अदर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक रोमन एंड मुगल पीरियड इन इंडिया, जैसे ताजमहल। यानी हमारे जो इतिहास में जो रोमन साम्राज्य हुआ या फिर मुगल साम्राज्य हुआ, इसमें जो स्ट्रक्चर्स थी जैसे ताजमहल, जो कि जो भी पानी के ऊपर बना हुआ है, वहां पर भी हमने वेल फाउंडेशन को ही दिया था उस टाइम पर भी, इसलिए हम कह सकते हैं आज का नहीं, बहुत पुराना कंस्ट्रक्शन है और इतना इफेक्टिव है, हम आज भी इसको डिजाइन करते हैं। क्यों करते हैं, उसके पीछे की भी एक वजह है। तो सबसे पहले उस वजह को समझने से पहले हम उसका एक डिजाइन देखते हैं कि वेल फाउंडेशन दिखती कैसी है। तो देखिए ध्यान से, ये होती है हमारी वेल फाउंडेशन। कैसे होती है, अब देखो देखो इसको आप भूल जाइए। ये देखिए ऊपर अब ब्रिज है, ये उसका पायर है, मैंने बता दिया था पायर ब्रिज में यूज होता है, लेकिन इस पायर को किस पे टिका है, वो हमारी वेल फाउंडेशन पे टिका है। तो देखिए इसमें भी करते क्या है, ये आप देख रहे हो, ये हमारी क्या है,
स्टेनिंग है या फिर आप इसको इसकी वॉल भी कह सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये स्टेनिंग क्या होती है, ये देखिए ये सामने से ऐसा दिख रहा है, ये जनरली आपकी गोल भी हो सकती है, ये आपकी डी शेप में भी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी रेक्टेंगल भी हो सकती है, और या फिर ये आपकी डबल डी शेप में भी हो सकती है फाउंडेशन, ये बात आप याद रखना। अभी बेसिक ही समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो हमारा सर्कुलर मान लेते हैं, सर्कुलर ये इसकी बाउंड्री होती है, तो ये आपको इसकी बाउंड्री दिख रही है, इसको हम स्टेनिंग कहते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ये आप देख रहे हो यहां पर कटिंग एज है एक, ये आप देख रहे हो ये नुकीला है ताकि ये सोइल में धस सके, और अगर यहां पर कभी कभी इसको एडिशन में नहीं देते, मतलब कॉन्क्रीट के साथ नहीं बनाते, तो अलग से भी इसमें कर्व लगा के इसको लगा देते हैं, लेकिन जनरली हम ऐसा नहीं करते, कंक्रीट का ही पूरा बनाते हैं। और इसमें क्या होता है, आरसीसी के स्टील बार्स होते हैं। अब क्या होता है, जब ये इसमें धसा दिया जाता है तो इसके नीचे क्या करी जाती है, कंक्रीटिंग कर दी जाती है, ये कंक्रीटिंग है जिसे हम बॉटम प्लग कहते हैं, प्लग बन गया। अब प्लग बनने से क्या हुआ, इसमें जैसे जमीन में अगर कोई पानी वगैरह होगा तो वो इसमें अंदर प्रवेश नहीं करेगा, फिर हम क्या करते हैं, प्लग बन गया, अब इसमें क्या करते हैं, सैंड को फिल कर देते हैं, पूरे में सैंड को फिल कर देते हैं, अच्छे से कॉम्पैक्शन करते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, टॉप प्लग बनाते हैं, यानी प्लग यानी आरसीसी का जाल होता है ये भी, इसको बनाते हैं, फिर उसके ऊपर फिर एक छोटी सी आरसीसी और बनाते हैं जिसको हम वेल कैप कहते हैं, जिससे हमने पाइल कैप बनाया था ऐसी वेल कैप बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसे पिलर चढ़ाना हो या बिल्डिंग बनानी हो कुछ भी। तो ये होती है हमारी वेल फाउंडेशन। अब आप कहोगे इसमें ऐसा क्या है कि ये काफी इफेक्टिव है, तो देखिए जब हम इसमें सैंड भर देते हैं तो ये हमारी बचत कर देता है, किससे, कंक्रीट से। हम चाहते हैं तो इसको कंक्रीट भर के कहीं बना लेते, लेकिन इतना सारा कंक्रीट कहां से लाएंगे हम, और ये कोई दो दो फिट के नहीं होते, ये कम से कम 60-60 फिट के होते हैं, 60-60 फिट के अगर वेल फाउंडेशन देने लग गए तो कितना कॉन्क्रीट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमने ये टेक्निक खोजी थी किसी समय पे कि हम बीच में सैंड भर देते हैं और चारों तरफ से कॉन्क्रीट की बाउंड्री कर देते हैं, वो हमारी वेल फाउंडेशन कहलाती है। अब आप कहोगे कि ये तो सैंड है, ये कॉन्क्रीट तो झूल भी सकता है, ये स्लैब नहीं झूलती क्योंकि सैंड कॉम्पैक्ट इतनी होती है, दबती ही नहीं है, क्योंकि कंप्रेस्ड सैंड जो होती है बहुत बारीक कण होता है सैंड का, जिसे भूरा मिट्टी भी बोलते हैं, वो अगर एक बार कॉम्पैक्ट हो जाती है तो दबने के चांस बहुत कम होते हैं, एमएम में होते हैं, इसलिए काफी इकोनॉमी भी होती है ये। तो ये चीज आपने देखी कि वेल फाउंडेशन हमारी कैसी दिखती है, और जो हमारे आज भी जो रेलवे के जो ब्रिजेस होते हैं उनमें हम वेल फाउंडेशन को ही प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपने आज के टाइम पे देखा होगा ये जो हमारे ब्रिजेस होते हैं रेलवे के, ऐसे ब्रिजेस होते हैं रेलवे के, और यहाँ पर क्या होते हैं, बड़े बड़े गोल गोल से ऐसे रहते हैं जिन पे ब्रिज टिका रहता है, ऐसे रहते हैं ना बड़े बड़े गोल गोल से, घाटियों में देखा होगा। तो वो है क्या, ये वेल फाउंडेशन ही होती है, क्योंकि इतना सारा कॉन्क्रीट तो हम भर नहीं सकते, इसलिए कहीं ना कहीं तो कॉन्क्रीटिंग की बचत भी हो जाती है, इसलिए वेल फाउंडेशन प्रेफर की जाती है। लाइक कर से कुआ है जिसमें बजरी को पटक दो। अब देखिए ये तो वेल फाउंडेशन थोड़ा सा बेसिक पड़ा। अब देखिए वेल फाउंडेशन भी तीन टाइप्स की होती है। सबसे पहली होती है ओपन वेल, ठीक है, अगली होती है हमारी बॉक्स वेल, और लास्ट होती है हमारी पिन्योमेटिक वेल फाउंडेशन, ठीक है। अब ये क्या क्या होती हैं? देखो है तो वेल ही, काम वही होगा, नीचे हम कंक्रीट डालेंगे, फिर बजरी भरेंगे, फिर उसके ऊपर क्या कहते हैं कैप लगाएंगे, प्रोसेस यही रहेगा, लेकिन थोड़े से उनकी स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसको तीन टाइप्स से क्लासिफाई कर दिया। अब इनको एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या होते हैं ये। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपन वेल की। देखिए एग्जाम में अगर ओपन वेल आ जाए या ओपन कैस्टियन लिखा आ जाए तो एक ही बात है, या फिर आपको एग्जाम में ओपन बॉक्स भी लिखा आ सकता है,
तो सेम ही है, मैंने बताया था कैसियन मतलब बॉक्स भी होता है। ठीक, तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। नाम से समझ में आ रहा है कुछ ना कुछ तो इसमें खुला ही होगा, सीधी सी बात है। तो ओपन वेल ये कहता है, जैसे हमने वेल फाउंडेशन के जो हमने देखा था उसके पार्ट्स देखे थे, इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, ऐसे ही ओपन वेल होता है। लेकिन ओपन वेल में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन से पहले जो वेल बना बनाया जो साइट पर लाया जाता है ना, उसमें क्या होता है टॉप और बॉटम खुले होते हैं। यानी इसमें यहां से देखेंगे तो यहां से दिख जाएगा, आर पार देख सकते हो इनके। तो ये टॉप से और बॉटम से क्या होते हैं, ओपन होते हैं। और इनके जो बॉटम में क्या होता है, कटिंग एज लगाया जाता है, कटिंग एज। ठीक है, अभी कटिंग एज क्यों लगाया जाता है, अब इसको थोड़ा समझते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। देखिए ध्यान से, जैसे ये हमारी एनजीएल है, नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, किसी भी क्रेन की मदद से हम इस ओपन वेल को लाते हैं। ठीक है, और इसको हम साइट पे रख देते हैं, रख दिया। और ये इसके कटिंग एज होते ही है, ऐसे कटिंग एज। ठीक है, अब क्या करते हैं, ठीक है, यहां से ये खुला है, यहां से ये खुला है। अब यहां पर हम ले आते हैं अपनी जेसीपी। ठीक है, अब जेसीपी क्या करती है, अब देखिए यहां से खुला है तो यहां से अंदर चल जाते, और यहां से भी खुला है और ये हमारी मिट्टी है, तो इसको खोदना स्टार्ट कर देती है। इसको खोदती है, फिर ये मिट्टी बाहर निकालती है। ऐसे क्या होता है, जैसे इतनी मिट्टी खोद ली इसने यहां तक, अब क्या होता है, ये कटिंग एज की वजह से ये वेल पेनिट्रेट होने लग जाता है खुद के सेल्फ वेट की वजह से। तो ये वेल यहां पर आ जाता है, फिर कुछ समय बाद मतलब यहां पर ना रहकर फिर ये ऐसे हो जाता है। ठीक है, फिर और मिट्टी हटाते हैं हम, फिर ये वेल और पेनिट्रेट हो जाता है। तो यानी इस वेल को हम जितनी गहराई तक इसको पेनिट्रेट कराना चाहें करा सकते हैं। ठीक है, ये डिजाइन की कोई फिक्स नहीं है कहां तक पेनिट्रेट, वो अपना डिजाइन के ऊपर है, हम इसको जितना चाहे उतनी डेप्थ तक पेनिट्रेट करा सकते हैं। तो फिर उसके बाद तो वही सारा काम होता है, जैसे ये हमारी पैरामीटर जो था हमारा कि यहां तक हमें इसको पेनिट्रेट कराना है, करा दिया। अब यहां तो मिट्टी है, फिर वही काम करते हैं, फिर यहां पर हम कॉन्क्रीट डालते हैं प्लग बनाने के लिए, फिर इसमें रेत भरते हैं यानी सैंड भरते हैं, फिर इसके ऊपर फिर से हम आरसीसी लगाते हैं, जो वेल का जो कैप होता है उसको बनाते हैं, फिर उसके ऊपर पिलर चढ़ा देते हैं मतलब पायर चढ़ा देते हैं, फिर आप इसके ऊपर कुछ भी बनाइए। तो ये ओपन वेल का कंस्ट्रक्शन है। ये तो थोड़ा समझने के लिए था, जो ऊपर और नीचे से खोला हो ताकि जेसीपी इसके अंदर से काम कर सके। ठीक है, और फिर क्या हो, फिर उसके बाद में हम कॉन्क्रीट को अप्लाई करते हैं, ये बात आप याद रखना। तो अब इसको थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, तो देखिए ध्यान से ये कुछ पॉइंट्स हैं। इट इज ओपन एट टॉप एंड बॉटम ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। सिंपल सी बात है, कंस्ट्रक्शन के दौरान जब तक जिस भी गड्ढा खोद रहे हैं जब तक तो ऊपर और नीचे से खुला होता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है ये, इट हैज कटिंग एज एट बॉटम फॉर इंसर्टिंग या सिंकिंग, यानी जा रहा है अंदर इनटू द ग्राउंड प्रॉपरली। पर मैंने बताया था बॉटम में कटिंग एज होते हैं ताकि वो जमीन में अच्छे से पेनिट्रेट कर सके। अगला है, व्हेन इट रीचिंग द रिक्वायर्ड डेप्थ देन वी अप्लाई कॉन्क्रीट एट बॉटम फॉर मेकिंग वाटर टाइट। देखिए जब ये हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच जाता है जहां तक हमने इसको डिजाइन किया है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसमें कॉन्क्रीट डाल देते हैं अंदर से, ताकि क्या हो, फॉर मेकिंग वाटर टाइट। क्योंकि देखिए जनरली जो हमारी वेल फाउंडेशन है वो क्या है कि जो हमारे पानी के ऊपर जो ब्रिजेस होते हैं उनमें भी बनाई जाती है, तो पानी उसमें प्रवेश ना करें, किसमें, हमारी वेल फाउंडेशन में, और हमारी रेत जो हमने सैंड भरी है उस तक ना पहुंचे, इसलिए हम उसमें कॉन्क्रीट डालते हैं। तो ये इसलिए हम इसमें कॉन्क्रीटिंग करते हैं। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज, देखिए ध्यान से, एडवांटेज
और डिसएडवांटेज, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं, आप समझ लेना। तो देखिए एडवांटेज क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ कैसियन यानी वेल कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू ग्रेटर डेप्थ, यही इसका एक एडवांटेज है कि इसको हम जितनी चाहे उतनी गहराई तक ले जा सकते हैं। अगर कभी बात होती है कि हमें बहुत ज्यादा गहराई की आवश्यकता है तो हम हमेशा ओपन वेल को यूज करेंगे। अगला है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज लो, जब ऊपर और नीचे से खुला है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए कंक्रीट सील प्लेस्ड इन वाटर विल नॉट बी सेटिस्फैक्टरी, हमने इसको गहराई तक तो इंसर्ट कर दिया, फिर हमने इसमें कंक्रीट अप्लाई कर दिया, क्या गारंटी की कंक्रीट और कैसियन जो हमारा कुआ है उसके साथ प्रॉपर बॉन्डिंग कर रहा हो, यानी जो हमारा ऐसे जो कुआ है जमीन में चला गया फिर हमने इसको ऊपर से यहाँ पर कंक्रीट ऐसे पटक दिया, तो कोई गारंटी नहीं होती कि ये इसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग कर ले, अगर थोड़ा सा भी लीकेज हो गया तो फिर हमें वही गड़बड़ हो जाएगी, वाटर एंटर करेगा और यहाँ पे जो मेरे सैंड है उसमें वो क्या करेगा, अंदर से वो प्रेशर जनरेट करने लग जाएगा, दिक्कत आ जाएगी। अगला है वी नॉट प्रॉपरली इंस्पेक्शन ऑफ द बॉटम ऑफ वेल, जब वो वेल जो है हमारा जब हमारा पूरा पेनिट्रेट हो जाता तो हम इसका इंस्पेक्शन नहीं कर सकते, कॉन्क्रीट डलने के बाद हमें क्या पता है इसके नीचे की मिट्टी में क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, लेकिन फिर भी ये लार्ज स्केल पे यूज होता है क्योंकि इसके एडवांटेज जो हमारा ये है ग्रेटर डेप्थ तक हम इसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो अभी हमने वेल फाउंडेशन में ओपन वेल को समझा, अब हम समझते हैं बॉक्स वेल को। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है बॉक्स, आपने डब्बा देखा है जैसे हम डस्टबिन रहते हैं वो भी डब्बा ही होता है, आपने डस्टबिन कैसा देखा है, डस्टबिन ऊपर से क्या होता है ओपन होता है और नीचे से हमारा क्लोज होता है, आप कोई भी डब्बा देख लीजिए उस डब्बे की नेचर ही होती है ऊपर से खुला होता है ताकि हम इसमें कुछ डाल सके और नीचे से उसमें पैंदा होता है ताकि वो वहां रुक जाए, यानी ऊपर से ओपन होता है नीचे से क्लोज होता है कोई भी डब्बा, ठीक है। अगर इसी फिनोमिना को हम वेल फाउंडेशन में यूज कर लें तो वो बन जाता है हमारा बॉक्स वेल फाउंडेशन, ठीक है। ये चीज आपने समझ ली तो सब कुछ समझ लिया। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। देखिए यानी जो हमारा जो कुआ है ऐसे जो कुआ है वो नीचे से तो क्या है हमारा क्लोज है और ऊपर से हमारा ओपन है, तो एक बात तो हो गई कि यहां पर तो हमें कॉन्क्रीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे से हमारा ऑलरेडी कॉन्क्रीट से बन के आया है साइट पे, ठीक है, और ये इसकी दीवार है ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम जो हमारी डिजायर डेप्थ का पहले क्या करेंगे, जमीन में गड्ढा ऐसे खोद लेंगे, फिर जो हमारा बॉक्स वेल है इसको उठा के यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। इसको इंसर्ट कर दिया हमने तो सबसे पहले तो हम जमीन में ऐसे गड्ढा खोदेंगे हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ का, फिर हम क्या करेंगे इस बॉक्स वेल को हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, इंसर्ट कर दिया बॉक्स वेल को, अब सीधी सी बात है नीचे तो हमारा क्या क्लोज है इसलिए कॉन्क्रीट डालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे इसमें सैंड फिलिंग कर देंगे और उसके ऊपर हम पिलक बना देंगे जो कॉन्क्रीट या आरसीसी का होता है, उसके ऊपर हम चाहे तो पायर चढ़ाएं कुछ भी करें बिल्डिंग बनाए जो आपकी मर्जी कर सकते हो। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से अब इट इज ओपन एट टॉप एंड क्लोज एट बॉटम, जो हम पहले देख चुके हैं ऊपर से तो हमारा क्या होता है खुला होता है नीचे से हमारा बंद होता है। अगला क्या है इट इज मेक ऑन लैंड देन इंसर्ट इनटू द ग्राउंड, इसको क्या करते हैं जमीन पर पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं साचे वाचे लगाते हैं जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, फिर हम इसको जेसीपी या कोई बड़े बिल्डोजर से हम इसको ग्राउंड में इंसर्ट करवाते हैं, यानी ग्राउंड में गड्ढा खोद के फिर हम इसको इंसर्ट करवाते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं आल्सो कॉल्ड फ्लोटिंग कैसियन, देखिए
एक तरह से अगर हम इसको दूर से देखें तो ऐसा लगता है कि पानी में तैर सकता है, क्योंकि इसमें पैंदा होता है नाव की तरह, इसलिए हम इसको फ्लोटिंग कैशियन भी कह सकते हैं, फ्लोटिंग कैशियन कह सकते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है पानी में तैरेगा ही, डूब भी सकता है अगर उसका मास उसके वॉल्यूम से ज्यादा हो जाए तो, ठीक है, वो एक मैटर करता है, वो एक अलग चीज है। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देख लेते हैं। तो एडवांटेज क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लो। अब लो क्यों, क्योंकि देखिए नीचे हमें कॉन्क्रीट डालना ही नहीं पड़ रहा, तो कुछ तो बचत हो गई, बना बनाया माल मिल रहा है, पैंदा मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या है, इट कैन बी यूज्ड वेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अदर टाइप ऑफ कैशियन आर नॉट पॉसिबल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बॉक्स वेल को अगर पढ़ना पड़ता है तो इसी पॉइंट की वजह से पढ़ना पड़ता है, जहां पर ऐसी सोइल होती है जहां पर कोई भी वेल फाउंडेशन बन नहीं सकती, वहां पर ये बनती है। क्यों बनती है, देखिए इसका बॉटम हम पहले से डिजाइन करके रखते हैं, बॉटम जो होता है ना हमारा इसका, इसका बॉटम पहले से हम इसका कॉन्क्रीट और आरसीसी का बना के रखते हैं इसका बॉटम। तो इसमें क्या होता है, जिसके काफी जो सोइल होती है वो जमीन में, उसमें बोल्डर्स भी मिल जाते हैं, पुअर सोइल भी हो जाती है, सैंडी सोइल भी हो जाती है, कुछ भी हो सकता है, क्ले सोइल भी हो जाती है, तो क्या उसमें हमारा कॉन्क्रीट अच्छे से सेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। कि अगर हमारी पुअर सोइल है, हमने ओपन वेल दे दिया और उसमें फिर कॉन्क्रीटिंग कर दी, हो सकता है इन फ्यूचर वो सोइल सेटलमेंट हो गया तो हमारा कॉन्क्रीट खराब हो जाएगा। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने इसको पहले से डिजाइन करके बॉटम के जॉइंट बना दिए हैं यहां पर, इसलिए हमें इसमें दिक्कत आ ही नहीं सकती। जैसे आप जग देखते हो, जग को आप कहीं भी रख दो, है ना, पानी इसमें नीचे थोड़ी पास होगा, नहीं होगा, तो ऐसा ही सिस्टम होता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसको हम ज्यादा गहराई तक नहीं बना सकते, तो नॉट मेक वेरी हाई डेप्थ, बस यही एक इसका डिसएडवांटेज है, वरना इसके एडवांटेज बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जगह पे यूज होती है ये। लेकिन क्यों नहीं बना सकते, देखिए देखिए जब इसका कंस्ट्रक्शन हम ऑन साइट करते हैं तब इसकी एक लिमिटेड डेप्थ रहती है, उसी डेप्थ तक हम इसको बना सकते हैं, क्योंकि फिर अगर ज्यादा डेप्थ का बना देंगे तो फिर जेसीपी या बुलडोजर से इसको इंसर्ट करने में भी प्रॉब्लम आएगी, वर्टिकलिटी चेक करने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है। बाकी बहुत अच्छी फाउंडेशन होती है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है बॉक्स वेल को, जहां पर हमारी सॉइल हमारे हिसाब से नहीं हो, खराब हो, बेयरिंग कैपेसिटी कम हो, तो वहां पर इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखिए हमारी जो लास्ट वेल फाउंडेशन बसती है उसका नाम है पिनियोमेटिक वेल, ठीक। अब देखिए सीधी सी बात है, हमने बता दिया था वेल फाउंडेशन बहुत पुरानी है, ताजमहल भी इस पे बना है, बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो इस पे बने हुए हैं, रोमन साम्राज्य के जो भी स्ट्रक्चर हैं सब वेल फाउंडेशन पे कंस्ट्रक्शन में थे, तो फिर सीधी सी बात है इंजीनियरों को ये बात कहाँ पचनी थी, उन्होंने अपनी एक स्पेशल फाउंडेशन दी कि भाई मॉडर्न जमाना है, थोड़ा सा कुछ तो नया करें इसमें, है ना। तो उन्होंने एक ऐसी फाउंडेशन दी जिसमें लगभग सारे जो ड्रॉबैक्स थे उनको निकाल दिए गए, जो भी कमी रह गई थी बॉक्स वेल और ओपन कैशियन में वो सारी यहां पर पूरी हो गई। तो देखिए अभी पिनियोमेटिक क्या होता है, थोड़ा समझते हैं इसको। अभी तक तो क्या हो रहा था, हमने क्या किया कि जो ओपन वेल और हमारे बॉक्स वेल थे इनमें हम कर्मचारी को नीचे नहीं भेज सकते थे, तो यहां पर उस सिस्टम को भी हमने सॉल्व कर दिया। तो इसका थोड़ा सा डायग्राम समझते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये स्ट्रक्चर दिखती है। अब आप इसमें एक बात तो नोटिस कर रहे होंगे जो हमारी बेसिक बात थी, इसमें क्या होता है, ये देखिए ऊपर से ये हमारा क्लोज होता है और नीचे से हमारा ये क्या है, ओपन है। अब आप कहोगे अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये हमारा बॉक्स वेल बन जाएगा, तो पिनियोमेटिक में क्या हुआ, उल्टा डब्बा, डस्टबिन को उल्टा रख दिया, तो कुछ कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर आ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, है ना, थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए मैंने क्या बताया था, ओपन वेल और ये हमारे बॉक्स वेल में हम किसी भी कर्मचारी को
चेक करने के लिए नीचे नहीं भेज सकते थे, इसलिए हमने इसमें एक ऐसा सिस्टम लगाया, ऊपर से तो हमने इसको पैक कर दिया खत्म, लेकिन हमने क्या किया, यहां पर एक शाफ्ट डाल दी, ऐसे पाइप के थ्रू भी हो सकती है, रेक्टेंगल भी हो सकती है अपने हिसाब से, ठीक है। और इन शाफ्ट्स को कहा हमने एयर शाफ्ट्स, और इनमें ऐसे सीढ़ियां लगी हुई हैं जो नीचे तक जाती है, और ये हमारा एयर लॉक होता है। एयर लॉक कुछ ऐसे सेट रहता है कि जब कर्मचारी इसके अंदर चला जाता है तो अपना आप ऐसे एडजस्टेबल होता है, सेट हो जाता है कि बाहर की एयर को अंदर आने ही नहीं देता है, ठीक है। और यहां पर ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जो कि वर्किंग चैम्बर, जो नीचे चैम्बर बना दिया जाता है, उसमें से मिट्टी को ही अपने आप निकालता रहता है, मशीन सेट रहती है इसके अंदर, ठीक है। मतलब बाल्टी वगैरह और जो मशीन जो घूमती रहती है और मिट्टी को निकालती रहती है, वो यहाँ सेट रहती है। अब क्या होता है, जैसे इस फाउंडेशन को जब हम फिक्स करते हैं तो किसी कर्मचारी को यहाँ पर भेजते हैं, तो वो चेक करके बताता है, यहाँ पर वर्किंग चैम्बर होता है तो वो यहाँ पर चेक करके बताता है सारी पोजीशन ठीक है नहीं है, कटिंग एज ठीक जा रहे नहीं जा रहे, कॉन्क्रीटिंग ठीक हो रही नहीं हो रही। तो इसलिए पिन्यूमेटिक वेल का हम यूज करते हैं प्रॉपर चेक करने के लिए। लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो, यहां पर हमने क्या बना दिया, ये प्लग स्ट्रक्चर बना दिया, फिर इसके अंदर क्या भर दिया हमने, यहां पर सैंड भर दी, फिर इसके ऊपर हमने वही टॉप वेल बना दिया, यानी जो प्लग होता है हमारा टॉप प्लग, बॉटम प्लग और ये हमारी सैंड है, वही सिस्टम, बॉटम प्लग फिर सैंड फिर टॉप प्लग। लेकिन थोड़ा हमको अरेंजमेंट हमने ऐसे कर दिया, थोड़ी हमने नए लुक में दे दिया इसको। देखिए ये हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि इसका डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। अकेले पिन्यूमेटिक वेल पे आज भी रिसर्चेस चल रही हैं, इसको हम और अच्छा बनाए जा रहे हैं। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं हम। तो देखिए ध्यान से कुछ इसके पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं। इट्स बॉटम आर ओपन एंड टॉप इज क्लोज, तो ये भी समझ में आ गया। उल्टा डस्टबिन याद कर लेना कि नीचे से खुला होता है ऊपर से हमारा बंद होता है। हैव ए वर्किंग चैम्बर फॉर एडिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, इसमें हमने देखा था वर्किंग चैम्बर की सिस्टम हमने देखा था नीचे, क्यों देखा था, ताकि उसमें कर्मचारी को भेजकर अगर कोई गड़बड़ हो रही हो तो उसको हम ठीक कर सकें, या कोई रिक्वायरमेंट आ रही हो, कहीं से क्रैक आ रहा हो तो उसको हम हैंड टू हैंड ठीक कर सकें, या फिर सॉइल और उसमें कटिंग एज में थोड़ा सा भी गैप रह जाए तो दिक्कत आ सकती है, पानी आ सकता है, तो उसको पहले से फिक्स कर देते हैं। तो मतलब बहुत सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। अगला क्या है, व्हेन कैशियन रीच इट्स फाइनल डेप्थ द वर्किंग चैम्बर इज फिल्ड बाय कॉन्क्रीट, देखिए यहाँ इस पॉइंट को समझना ध्यान से, ये अभी रिसर्च पे चल रहा है ये वाला पॉइंट। देखिए जब हमारा जो हमारी डेप्थ तक पहुंच जाता है, हमारा जो कैशियन है हमारी रिक्वायर्ड डेप्थ तक पहुंच जाता है, तब इसमें कहते हैं कि शाफ्ट के जरिए हम इस वर्किंग चैम्बर को कॉन्क्रीट से फिल कर देते हैं फाइनल चेकिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, ऐसा इसमें कहा जाता है कि इसको भर देते हैं। लेकिन रियलिटी में स्टार्टिंग में हम इसको नहीं भरते, क्योंकि अगर हमने जैसे आज इसका कंस्ट्रक्शन किया तो कम से कम 10 से 15 साल तक तो हम इसको नहीं भरते भाई, हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो जाए फिर जाना पड़े उसको चेक करने के लिए, हो सकता है। जब हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब हम देख लेते हैं 20-30 साल, हाँ भाई ठीक है अब इसको भर दीजिए, ताकि इसका डेड वेट भी अच्छे से सेट हो जाए, वो फिर इसको हम फिल कर देते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत फिल तो हम फिर भी इसको करते हैं जब हमारा इंसर्ट हो जाता है, क्यों करते हैं, देखिए हमने बताया था नीचे हमारा क्या बन गया था, ये हमारा वर्किंग चैम्बर बन गया था, ठीक है, ये हमारे ऊपर का तो प्लग था ही और ये हमारी शाफ्ट थी, लेकिन जो ये हमारे कटिंग एजेस हैं और ये सीधे हमारी सोइल के कॉन्टेक्ट में आ रहे थे, तो हम क्या करते हैं थोड़ा बहुत तो इसको यहां तक कॉन्क्रीट से भर देते हैं। प्रेजेंट टाइम में यही फिलोसफी काम कर रही है, इसको पूरा भरना या नहीं भरना इसके ऊपर अभी रिसर्चेस चल रही है, लेकिन जनरल बात यह है कि इसको हम पूरा नहीं भरते। जैसे आपने हूवर डैम देखा होगा अमेरिका में बना हुआ है, उसमें आज भी गैलरीज छोड़ी गई हैं ताकि हम उसके अंदर जा सकें और उसकी कुछ रिपेयरिंग हो तो उसको हम कर सकें, इसलिए इसको भी हम पूरा नहीं भरते, थोड़ा लेयर
लगाते हैं, जैसे हम मकानों में हम फर्श डालते हैं ऐसे थोड़ा बहुत कंक्रीट के लेयर्स में लगा देते हैं और वर्किंग चैम्बर काम करते रहता है। ये आपको बात समझ में आई। अगला क्या कह रहा है, एयर प्रेशर हाई इन वर्किंग चैम्बर यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कम सॉइल एंड वाटर। देखिए ये जो हमारा वर्किंग चैम्बर होता है ना, इसमें हम एयर प्रेशर को ज्यादा रखते हैं, इसलिए हम ऊपर यहां पर एयर वाल लगाए थे या सॉरी एयर लॉक लगाए थे ताकि वो इसको अच्छे से एडजस्ट कर सके एयर को। क्योंकि देखिए अगर यहां पर हाई प्रेशर होगा तो यहां पर कभी भी लो प्रेशर वाली चीज आएगी ही नहीं, सीधी सी बात है। इसलिए यहां पर हम प्रेशर को हाई रखते हैं ताकि पानी और मिट्टी कभी भी यहां इस चैम्बर में प्रवेश ना करे। अगला क्या कह रहा है, हाइट ऑफ चैम्बर इज 3 मीटर। तो सीधी सी बात है, इस चैम्बर की हाइट कम से कम इतनी तो हो कि हम खड़े हो सके काम कर सके, है कि नहीं। तो ये हमारा प्यूमेटिक कैसिंग था। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से इसके कुछ एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, उनको भी समझ लेते हैं। एडवांटेज क्या कहता है, प्रॉपर कंट्रोल। सीधी सी बात है, प्रॉपर कंट्रोल इसमें हमको मिलता है क्योंकि इसमें वर्किंग चैम्बर होता है तो हम इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको भी हम इसमें दूर कर सकते हैं। अगला है, द कैशन कैन बी सिंक वर्टिकली एज केयरफुली सुपरविजन इज पॉसिबल। देखिए इस टाइप की जो वेल होती है ना उसमें हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो वेल जो जमीन में जा रहा है वो वर्टिकल है या नहीं, क्योंकि इसमें वर्किंग चैम्बर होता है तो उस हिसाब से इसमें कुछ वर्किंग चैम्बर में एक डिवाइस लगाते रहते हैं जो कि बताता रहता है इसका अलाइनमेंट को कि ये सीधा जा रहा है नहीं जा रहा, जबकि ओपन वेल और इसमें बॉक्स वेल में क्या होता है हमें पता नहीं चलता, ठीक है। और अगली चीज क्या है, द बॉटम ऑफ चैम्बर कैन बी सील्ड इफेक्टिवली विद कॉन्क्रीट। जब वर्किंग चैम्बर में इंसान को भेज रहे हैं और फिर वो कॉन्क्रीटिंग कर रहा है तो दिक्कत की क्या बात है, इफेक्टिवली कॉन्क्रीटिंग होगी उसमें अच्छा बॉन्ड बन जाएगा क्योंकि वहां पर इंजीनियर उसको चेक भी कर सकता है। अगला क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव वेरी इजीली। अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई बाधा आ जाती है तो हम वर्किंग चैम्बर में जाकर वहां उसको दूर कर सकते हैं, जैसे कि कोई कटिंग एज डैमेज हो जाता है तो उसको भी रिपेयर कर सकते हैं, तो ऐसे ही हम काम कर सकते हैं इसमें। अब इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला तो क्या है, कॉस्ट इज हाई। सीधी सी बात है, जब इतना झमेला करेंगे साफ्ट डालेंगे वर्किंग चैम्बर बनाएंगे तो कॉस्ट तो हाई होनी है। और एक जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, उसको देखो, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड डेप्थ 35 मीटर। इसको हम 35 मीटर से ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, रीजन देखिए, एट दिस डेप्थ द प्रेशर इज 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 350 टन पर मीटर स्क्वायर। यानी अगर हम जैसे पानी के अंदर इस वेल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो इतनी डेप्थ पर, 35 मीटर की डेप्थ पर इतना प्रेशर जनरेट हो जाता है और इतना प्रेशर किसी भी पर्सन के लिए, ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है। हम इस प्रेशर को झेल नहीं सकते। अगर हम इस प्रेशर से और नीचे काम करेंगे तो हमारे सर के टुकड़े हो जाएंगे, मतलब फट जाएगा सर, हमारी बॉडी प्रेस होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए हार्मफुल है। तो इसलिए, लेकिन 35 मीटर भी काफी होता है क्योंकि इसको आप अगर 3.28 से गुणा करो तो लगभग 100 फीट से भी ज्यादा गहराई तक हम इसका कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और जनरली जो हमारे ये हमारे ब्रिजेस होते हैं इनकी फाउंडेशन इससे ज्यादा गहरी नहीं जाती, इसलिए कहते हैं कि अगर वेल फाउंडेशन का आज इफेक्टिवली उपयोग बचा है तो वो क्या है, ब्रिजेस। ब्रिजेस की पायर के नीचे जो फाउंडेशन हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरली हम वेल फाउंडेशन को ही कंस्ट्रक्शन करते हैं।